नमस्कार दोस्तों, डी वी ऑनलाइन स्टे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर सबसे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो हमारा मैथ में चैप्टर चल रहा था ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी का आज दोस्तों हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे। और इस पार्ट में दोस्तों टोटल हम लोग 51 नंबर से लेकर के 97 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, अगर आप भी रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो में साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि जो यूथ कमीशन टाइम्स की बुक है इसमें 2016 से लेकर के 2019 तक में जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सारे रेलवे के एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों का ही इसमें संग्रह दिया गया है। तो हम लोग दोस्तों वही सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो रेलवे में आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड किसी भी डाउट को वहाँ भेज करके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी? हमको ट्रेन की क्या करनी है दोस्तों? लंबाई बतानी है। तो अब इसके लिए दोस्तों हम लोग फार्मूले जानते हैं। यहाँ पे स्पीड बराबर हम जानते हैं क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपान का क्या होता है दोस्तों? टाइम होता है, डिस्टेंस अपान का टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे सब कुछ दिया गया है कि कहा गया कि एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों देख लीजिए कि आंसर में जो यहाँ पे दिया गया सब मीटर में दिया गया है, तो इसका मतलब जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्पीड दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे दोस्तों स्पीड में हमने 66 लिख लिया। और यहाँ पे हम जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों मैंने बता रखा है पिछले क्वेश्चनों में फर्स्ट पार्ट में कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमको चेंज करके मीटर प्रति सेकंड में आना है। तो हम जानते हैं 5 और 18 दो संख्याएँ होती हैं, इन दो संख्याओं में जैसे हम ये किलोमीटर बड़ा होता है मीटर छोटा होता है, हम बड़े से छोटे में आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा वाला हमारा 5 है इसलिए 5 ऊपर लिखेंगे और 18 नीचे लिख देंगे। अब दोस्तों यदि समझ लीजिएगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमको किस में बना जाना है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब दोस्तों यहाँ पे मीटर हमारा छोटा होता है किलोमीटर बड़ा होता है, यानी कि छोटे से हम बड़े में आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पे ये बड़ा 18 है इसलिए 18 को ऊपर लिख देंगे और यहाँ पे 5 को नीचे लिख देंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको कोई चीज़ को अपने दिमाग में बिठाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ वो नहीं है, यानी कि आप अपने दिमाग में ऐसा रख सकते हैं कि इनको किस में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा और किसका, क्योंकि मैंने देखा कि अक्सर बच्चे 5/18 और 18/5 में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, इसको जो किलोमीटर प्रति घंटा है इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे हमने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोस्तों अगर देखें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारा दिया गया है यहाँ पे 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म दिया गया, तो दोस्तों 300 मीटर हमने प्लेटफॉर्म में रख लिया। उसके बाद अगर देखें पूछा क्या गया है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई है, तो ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं दोस्तों एक्स रही होगी, हमने यहाँ पे यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ जोड़ दिया। अब बताया गया बाद में 24 सेकंड, तो हमने 24 रख दिया। अब अगर इसको हल करें दोस्तों तो ये 6 से हमारा कट जाएगा, 6 3 18 और 6 4 24 हो जाएगा। दोस्तों 3 से अगर इसको कट करें तो 3 2 6 3 2 6, अब अगर देखें तो 22 5 कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 300 प्लस का x हो जाएगा। अब दोस्तों 110 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 11 4 44 यानी कि 440 और 300 इधर आ जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा, बराबर हमारा x 440 से दोस्तों जब 300 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 140 मीटर आ जाएगा। तो यानी x हमने क्या मान रखा था दोस्तों, ट्रेन की लंबाई मान रखी, तो ट्रेन की लंबाई हमारी दोस्तों कितनी आ गई, 140 मीटर। यानी देखें तो ऑप्शन नंबर 51 का ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। और हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि एक ट्रेन ने 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर लिया, ट्रेन की रफ्तार क्या है, हमको इसमें क्या बताना है, ट्रेन की स्पीड बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालना है और यहाँ पे मीटर और सेकंड में दिया गया है। क्वेश्चन में बता दिया गया कि एक ट्रेन है 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार कर जाती है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेन की रफ्तार हमको बतानी है।
तो दोस्तों मैंने बता रखा, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे बताया गया एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 140 मीटर बताई गई है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए यहाँ पे 180 मीटर बताई गई है, पहले प्लेटफॉर्म को पार करने में 15 सेकंड लगता है और दूसरे जो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है 180 मीटर, इसको पार करने में 17 सेकंड लगता है। तो हम क्या करते हैं, जब ये दिया होता है तो इन प्लेटफॉर्मों की लंबाई को आपस में घटा देते हैं और उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, ये समय को भी घटा देते हैं। तो ये जो हमारा दिया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, जब दोस्तों हम यहाँ पे घटाएंगे 180 माइनस 140 करेंगे और समय जो हमारा यहाँ पे दिया गया 17 माइनस 15 करेंगे, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, ये स्पीड निकाल रहे हैं, तो हमने ये स्पीड लिख दिया। अब दोस्तों जब घटा देंगे तो 180 से जब 140 घटाएंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, बटे यहाँ पे 15 दो 17, यानी कि 17 से जब 15 घटाएंगे तो 2 बचेगा। दोस्तों कुल मिलाकर अगर इसको देखें, 2 से इसको हम कट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी स्पीड कितनी आ गई दोस्तों, 20 आ गई। अब ये तो आ गई है दोस्तों हमारा मीटर प्रति सेकंड में आया, किस में आया दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड। इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों, तो 18/5 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से इसको कट करेंगे दोस्तों, 4 आ जाएगा, तो 18/72 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 52 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 के बाद दोस्तों अगर हम 53 नंबर देखें, तो 53 नंबर में यहाँ पे कहा गया है कि 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आंसर देखें तो मीटर में दिया गया, इसका मतलब जो किलोमीटर वाला होगा उसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे 76 किलोमीटर घंटे की गति, गति कितनी दी गई यानी कि स्पीड दी गई दोस्तों 76 किलोमीटर, तो 76 रख दिया और इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा स्पीड, फिर डिस्टेंस। डिस्टेंस देखें तो हमारा यहाँ पे बताया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई बता दी गई है दोस्तों 450 मीटर, और प्लस यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता है, तो ट्रेन की लंबाई हमने मान लीजिए एक्स मान लिया, और यहाँ पे समय कितना बता दिया गया दोस्तों 27 सेकेंड। अगर इसको कट करें दोस्तों तो 6 × 3 = 18, और यहाँ पे ये 6 से तो नहीं कटेगा दोस्तों, हमने इसको किससे कट कर दिया, 3 से कट कर दिया। जब 3 से कट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे 3×18 यानी कि 6 आ जाएगा, 3 से हमने कट किया तो 3×18 और 3×9 = 27 हो जाएगा। और दोस्तों इसको हम 9 से भी कट कर सकते थे, लेकिन चलिए हम 2 से, अगर 9 से इसको कट करें दोस्तों तो 9×2 = 18 हो जाएगा और 9 × 3 = 27, यानी कि मान लीजिए हमने 9 से ही डायरेक्ट कट कर दिया। अब अगर इसको 2 से हम कट करते हैं तो ये 2 से हमारा 76 जो है कट जाएगा, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, 38 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे इनका 5 और 38 का, 5 और 38 से या दोस्तों क्या करें, यहाँ 5 × 3 = 15 हो जाएगा, ये 3 × 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 15। अब यहाँ पे कुल मिला के लिख दें 38 × 15 बराबर यहाँ पे 450 और यहाँ पे प्लस का एक्स, तो 15 × 8 दोस्तों 120 हासिल लगे दोस्तों 12, और 15 × 3 = 45, 46 × 47, 10 = 57, यानी कि 570 हो गया, और इधर हमारा कितना हो जाएगा 450 प्लस का एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों 570 से हम 450 जब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे 7×5 = 12 यानी कि 120 बचेगा। 120 जो हमारा आ गया ये मीटर आ गया, ये एक्स की वैल्यू, हमने एक्स की वैल्यू मान, एक्स की वैल्यू किसकी मानी थी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई मानी थी, ये ट्रेन की लंबाई जो थी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों 120 मीटर। देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 53 के बाद अगर हम 54 नंबर देखते हैं, तो 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात की करें, हमको रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो अब दोस्तों यहाँ पे उसकी जो स्पीड बता दी गई रेलगाड़ी की, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, अब दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो बताया गया हमको मीटर में कह रहा है याद कीजिए, तो किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18 हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो दोस्तों डिस्टेंस हमारा दिया गया 100 मीटर लंबा पुल बताया गया है, और ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता है, हमने ट्रेन की लंबाई एक्स मान लिया। अपान करें दोस्तों तो समय हमारा 10 सेकंड दिया गया है, ये रख लिया। अब अगर इसको कट करें तो 18 × 5 हो जाएगा 90 दोस्तों, 5 × 5 = 25, 25 दाम कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, और ये 100 इधर माइनस में आ जाएगा बराबर हमारा एक्स। दोस्तों 250 से हम जब 100 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा 150, ये हो गया एक्स, यानी कि इतने मीटर, यानी कि 150 मीटर हमारा क्या बन गया, ये 150 मीटर हमारा बन जाएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमने मान रखी थी रेलगाड़ी की लंबाई, तो देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 के बाद 55 नंबर, और 55 नंबर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक प्लेटफार्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंभे को
18 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई दोस्तों कितनी बता दी गई, 300। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं मालूम तो हमने एक्स मान लिया, तो ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई ऐड हो जाएगी। अब यहाँ दोस्तों यहाँ पे बताया गया 39 सेकंड, तो यहाँ पे हमने रख दिया 39 सेकंड रख दिया। अब करेंगे दोस्तों 39 सेकंड में पार करती है, कहा गया कि जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, जबकि यह एक खंभे को किसने कितने समय में पार करती है दोस्तों, 18 सेकंड में पार करती है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जबकि यह एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है ये बोला गया है, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि अब एक खंभे को यानी ट्रेन जो है मान लीजिए 300 मीटर लंबी ट्रेन है, अब खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, 18 सेकंड, तो हमने 18 रख दिया। अब क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको ज्ञात करना, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने एक्स मान ही रखा दोस्तों। अब इसको अगर हल करें तो ये हमारा जो कट जाएगा दोस्तों तो किससे कटेगा ये देख लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो अब अगर इसको हम कट करते हैं दोस्तों तो ये किससे कट जाएगा, अगर हम देखें 3 से कट करें दोस्तों 3 से कट जाएगा, 18 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 3 9 दोस्तों 13 और 6 हो गया। अब 6 का क्रॉस इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 के इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों 6 का मल्टीप्लाई करने पे 6 3 1800 ये हो जाएगा, अब प्लस का हमारा 6x हो जाएगा बराबर 13 3 3900 ये बन जाएगा। अब दोस्तों 1800 में हम क्या करेंगे 3900, ये 6x हमारा दिया ही गया है और इधर हमारा 3900 दिया गया है, माइनस हम 1800 कर देंगे। अब 18 2 36 36 3 दोस्तों, तो 18 3 2100 हो गया हमारा, यहाँ पे कितना बचा 2100 और ये आ गया हमारा 6x बराबर। तो अब दोस्तों अगर हम देखें तो x की हमको वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हम करेंगे 2100 बटे कितना करेंगे 6। तो अगर इसको हम कट करें दोस्तों 6 3 हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 6 3 18 बचा 3 हो गया दोस्तों, 18 3 21 तो 6 5 30 और यानी 350 बचेगा। तो 350 यानी कि मीटर हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 55 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 55 के बाद यहाँ पे हमारा जो दिया गया 56 नंबर, और इस 56 नंबर के क्वेश्चन में बताया गया है, कहा गया है कि एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, कोई एक ट्रेन है 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की गति बता दी गई है दोस्तों 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो बता दिया गया कि यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लीजिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा जब होगा तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हमारी हो गई ट्रेन की स्पीड, हो गई क्या हो गई दोस्तों, हमारी ट्रेन की स्पीड बन गई। अब दूसरी बातों में यहाँ पे हमने ये निकाल लिया, तो अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को दोस्तों यहाँ पे कितना, 18 3 54 5 3 15 आ जाएगा, हाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड, मान लीजिए अगर हम उसकी डिस्टेंस निकालें, किसकी ट्रेन की लंबाई निकालें, मान लीजिए पहले हम खड़े व्यक्ति को पार करा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे उसकी डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई हमको नहीं पता, तो हमने डी मान लिया और अपान का यहाँ पे कितने सेकंड में पार करता है व्यक्ति को, 20 सेकंड में। तो अब अगर इसको हल करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 18 3 54 हो जाएगा, 5 3 15 बन जाएगा, ये 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इधर हो जाएगा बराबर डी, तो 15 2 30 दोस्तों ये हो जाएगा 300। तो हमने ये ज्ञात कर लिया कि हमको यहाँ से ट्रेन की लंबाई पता चल गई 300 मीटर है। अब हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना दोस्तों, अब प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पे बताया गया है कि एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, कितने सेकंड में पार करती है दोस्तों 36 सेकंड में। अब यहाँ पे हमको ये बात पता है कि यहाँ पे इसकी स्पीड बता, ट्रेन की गति हमको पता ही है दोस्तों कितना है 54, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो 5/18 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हमने ट्रेन की लंबाई निकाली है दोस्तों 300 और अगर उसका निकालें प्लेटफॉर्म को तो दोस्तों x हो जाएगा। अब समय यहाँ पे दिया गया दोस्तों 36 सेकंड, तो हमने 36 रख दिया। अब अगर देखें दोस्तों तो 18 3 54 हो जाएगा, अब 5 3 15, अब दोस्तों यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई हम 15 करेंगे, ये 5 3 15 हो गया ये, और 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये हो गया बराबर, इधर हमारा दिया गया 300 प्लस का x। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 15 6 90 की 0 हासिल लगा 9, अब 15 3 45 45 5 50 4 54 यानी कि 540 हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा 300 प्लस का x हो गया।
अब दोस्तों क्या करेंगे, हम 300 इधर लेकर के घटा देंगे 540 से 200, यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3 2 5 यानी कि 240 बचेगा। ये हमारा आ गया x की वैल्यू, यानी कि x हमारा क्या था अब यहाँ पे, ये x था हमारा प्लेटफॉर्म था दोस्तों, ये क्या था दोस्तों हमारा, ये प्लेटफॉर्म था। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे समझने के लिए, x हमारा क्या था प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की हमने लंबाई निकाल लिया दोस्तों, 240 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या राइट हो जाएगा, यानी कि 240, यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि 55 56 के बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 36 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, पहले प्लेटफॉर्म बताया गया तो 36 प्लेटफॉर्म के लिए हो गया, अब प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति बताया गया तो ये 20 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा, सारे आंसर मीटर में दिए गए, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और जब मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों कन्वर्ट किया जाता है तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा गया, तो मान लिया ट्रेन की लंबाई जो रही होगी वो हमने डी ही मान लिया, और व्यक्ति को पार करता 20 सेकंड में, तो यहाँ पे हमने 20 रख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर इसको हल कर दें तो 18 त्रिको हो जाएगा 54, तो 5 3 15, अब 15 2 30 यानी कि कुल मिला के बन गया 300, यानी कि डिस्टेंस हमारी, यानी कि डी जो आया है किसकी, ट्रेन की, ट्रेन की डिस्टेंस आ गई हमारी दोस्तों कितनी, 300 मीटर आ गई। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे मान लीजिए ये 54 किलोमीटर हमको निकालना, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस निकालना दोस्तों, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया था स्पीड, तो हमने 5/18 कर दिया यानी कि स्पीड रख दिया। उसके बाद दोस्तों हमको ट्रेन की लंबाई तो पता हो गई 300, लेकिन प्लेटफॉर्म की नहीं पता, तो हमने प्लेटफॉर्म की एक्स मान लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है प्लेटफॉर्म पर खड़े, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लेटफॉर्म को ट्रेन कितने समय पार कर जाती है दोस्तों, 36 सेकंड में, तो यहाँ पे हमने 36 रख दिया। अब अगर इसको हल करें तो 18 त्रिकोण 54, तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 36 बराबर यहाँ पे 300 प्लस का एक्स। अब दोस्तों 15 का जब मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 56 90, 9 15 3 45, 5 50 4 54 यानी कि 540 हो गया, और इधर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा 300 बराबर एक्स, तो यहाँ भी हमारा क्या बनेगा दोस्तों 240 मीटर बन जाएगा। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है जो पिछला क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया, यानी कि देखें तो 57 नंबर का हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57 के बाद 58 नंबर, और 58 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको पता हो गई दोस्तों कितना मीटर है, 70 मीटर है। बाद में कहा गया कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, हमको क्या निकालना है दोस्तों रेलगाड़ी की लंबाई। अगर हम मान लेते हैं ट्रेन की जो लंबाई थी, हमने यहाँ पे माना ट्रेन की लंबाई दोस्तों, हमने ट्रेन की लंबाई क्या मान लिया, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई x रही होगी, कितनी रही होगी दोस्तों x रही होगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया गया कि एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों कितनी बता दी गई 70, तो 70 हमने रख दिया, और ट्रेन की लंबाई हमको पता है x, तो हमने x रख दिया। 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार कर जाती है, और लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है, और जो ट्रेन है दोस्तों ये कितने सेकंड में पार करती है, यानी कि प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है, लेकिन जो ट्रेन है यानी कि ट्रेन हमारी 1 मीटर लंबी थी, और वो एक व्यक्ति के खड़े होने पर उसको कितने सेकंड में पार करती है, 2 सेकंड में पार करती है, हमने ये 2 रख दिया। अब अगर इसको दोस्तों हम सॉल्व करें तो ये हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये क्या करेंगे दोस्तों, ये पॉइंट हटाया और इधर हमने क्या बना लिया, 1 0 बना लिया। तो अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ऐसा आप नहीं करना चाहें दोस्तों तो ऐसा मत करिएगा, मैं चलिए दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने ये जैसा था वैसे रख दिया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 5.5x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 7 × 2 = 14 यानी कि 140, अब प्लस का हमारा हो जाएगा 2x। अब दोस्तों 2x हमारा ये 5.5x से आके घट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 3.5x बचेगा, इधर हमारा बचा 140। अब दोस्तों अगर x की वैल्यू निकालें तो 140 बटे यहाँ पे आ जाएगा 3.5, दोस्तों पॉइंट हटाया ऊपर 1 0 बढ़ा दिया।
अब अगर देखें तो 35 दूना 70, 35 से ये 4 टाइम में कट जाएगा दोस्तों, 35 दूना 70 और 70 दूना दोस्तों 140 होता है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 140 हमारा कितना 4 बार में कट जाएगा, ये 0 बचा, 0 हमने बचा दिया। अब अगर देखते हैं तो x बराबर कितना वैल्यू आ गया हमारा, 40 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो कुल मिला के ये कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों 40, यानी कि 58 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि 36 किलोमीटर घंटा की गति से चलती ट्रेन ए एक प्लेटफार्म को 80 सेकंड में पार करती है, वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर घंटा की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है, प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब दोस्तों हमको यहाँ पे क्या करना है कि न तो ट्रेन की लंबाई पता है न तो हमको प्लेटफार्म की लंबाई पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम मान लेते हैं, माना यहाँ पे ट्रेन की लंबाई, हमने ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली है दोस्तों एक्स, और यहाँ पे अगर हम प्लेटफार्म की लंबाई माने दोस्तों, तो ये प्लेटफार्म लिख दिया हमने, प्लेटफार्म की लंबाई हमने दोस्तों कितनी मान लिया, इसकी मान लिया ये वाई थी, कितनी है दोस्तों वाई है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम अब यहाँ पे बात ये कही गई है कि जब 36 किलोमीटर घंटा किलोमीटर गति से चलती है एक ट्रेन, ट्रेन ए एक प्लेटफार्म को 80 सेकंड में पार करती है, वही ट्रेन विपरीत दिशा से आ रहे 18 किलोमीटर घंटा की गति से चलते एक व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। तो मान लीजिए दोस्तों जब प्लेटफार्म 80 सेकंड पार करती है, वही ट्रेन विपरीत दिशा से 18 सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्लेटफार्म की लंबाई बतानी थी दोस्तों। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो प्रश्न में कहा गया, पहले बताया गया दोस्तों कितना 36 किलोमीटर प्रति घंटा बताया गया, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर सब मीटर में दिया गया दोस्तों, हम क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे हमारे ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमने एक्स और वाई को जोड़ दिया, और अपान में कितना बताया गया 80 सेकंड, तो हमने यहाँ पे 80 का भाग दे दिया, किसका भाग दे दिया दोस्तों 80 का। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हमने 80 का भाग दे दिया तो कहा गया वही ट्रेन विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, चलिए पहले हम यहाँ पे x प्लस वाई का मान निकाल लेते हैं, तो अगर देखें तो 18 दूना 36 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 का मल्टीप्लाई जब 80 के साथ करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 800। ये हो गया दोस्तों x प्लस वाई, समीकरण हमारा एक बन गया। अब इसी, अब हमारा यहाँ पे जब एक ही दिशा में यानी कि एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये यानी कि जो 36 हमारा दिया गया 36 किलोमीटर ये, और व्यक्ति के जो दिया गया 18, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, इसलिए तो 36 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। 54 को किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों, इसको मीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर यहाँ पे ये हो गया। और उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे एक्स, अब दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है, कहा गया है कि जो ये हमारा ट्रेन है उस व्यक्ति को यानी कि 24 सेकंड में पार कर जाती है, क्या करती है दोस्तों, यानी कि एक व्यक्ति है जो उसको पार करने में कितना समय लेती है 24 सेकंड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स बटे, हमने ट्रेन की लंबाई एक्स मानी है, तो एक्स बटे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक व्यक्ति है। तो अब दोस्तों अगर इसको सॉल्व करें तो 18 3 54 हो जाएगा, 5 3 15, और ये 15 मल्टीप्लाई दोस्तों 24 हो जाएगा बराबर एक्स, 24 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36 दोस्तों 360 हो गया बराबर, यानी कि एक्स हो गया। यहाँ पे हमने एक्स का मान निकाल लिया 360। अब अगर यहाँ पे दोस्तों हम एक्स का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस इधर हो जाएगा हमारा 360 और बराबर हमारा इधर वाई। अब दोस्तों 800 से हम क्या करेंगे 360 घटा देंगे, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 440 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 440 बराबर y। अब दोस्तों हमको बस यही बताना था यहाँ पे, क्या हमने ट्रेन की लंबाई 360 निकाल लिया और यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई निकाल लिया 440, हमको प्लेटफार्म की लंबाई ही ज्ञात करनी थी, तो 440 मीटर हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो 59 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर, और 60 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, और फिर कहा गया कि 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा, दोनों मामलों में गति समान है, गति क्या है दोस्तों यहाँ पे समान बता दी गई है। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकाल लें, इसकी चाल निकाल लेते हैं, किसकी ट्रेन की। तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो ये दिया गया है, अगर हम स्पीड बराबर निकालें दोस्तों, तो स्पीड बराबर निकालते हैं, तो यहाँ पे 200 मीटर हमारी यहाँ पे क्या दी गई, लंबी ट्रेन दी गई है, और 300 मीटर लंबा पुल दिया गया है, और इसको पार करता है दोस्तों कितने सेकंड में, 30 सेकंड में पार करता है। अगर इसको हल करें तो 3 2 कितना हो जाएगा, ये 500 बन जाएगा,
500 बटे हमारा 30 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो स्पीड जो हमारी आ गई दोस्तों 50/3, और ये हमारा यहाँ पे मीटर में दिया है, तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या हो गया इसका, ये 50/3 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो गई दोस्तों हमारी स्पीड हो गई। तो स्पीड तो हमने ये निकाल लिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो कहा गया है व्यक्ति को पार करने में लगा समय, अगर हम समय निकालें दोस्तों, हमको स्पीड पता चल गई, अब हमको टाइम निकालना है। अब यहाँ पे ये कितना बता दिया गया दोस्तों हमको, अगर हम ये 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जो बताई गई है, यहाँ पे कहा गया 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्लेटफार्म से कोई मतलब नहीं है, केवल ट्रेन और व्यक्ति को देखेंगे, तो यानी कि अब ट्रेन और व्यक्ति में जब देखेंगे तो यहाँ पे हमको निकालना है स्पीड। हमको दोस्तों पता है 50/3 कितना है, 3 है, और यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हमको पता है दोस्तों 200 है, और यहाँ पे हमको समय निकालना है, समय हमने मान लिया टी है। तो अब अगर इसको हल करें तो 50 चौको कितना हो जाएगा 200। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 4×12 सेकंड हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो हम यहाँ पे हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 60 का कौन सा राइट हुआ दोस्तों, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 60 के बाद 61 नंबर, और 61 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफार्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई मान लीजिए, ट्रेन की जो लंबाई है यहाँ पे हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी, x रही होगी। अब यहाँ पे बता दिया कि एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति के पास से गुजरती है। अब दोस्तों जब व्यक्ति से गुजरती है तो वहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई नहीं जोड़ी जाती है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा दिया गया है हमने ट्रेन की लंबाई मान लिया है x, तो x बटे कितना हो जाएगा, 5 सेकंड में पार कर रहा है, इसलिए दोस्तों 5 हो गए। तो ये हमारी क्या निकला है, स्पीड। अब फिर कहा गया है कि 25 सेकंड में प्लेटफार्म को पूर्ण रूप से पार करती है यदि प्लेटफार्म की लंबाई 300 मीटर इस बार बता दिया गया। अब दोस्तों ट्रेन की लंबाई हमको पता है और यहाँ पे अब प्लेटफार्म की लंबाई 300 बता दिया गया, तो प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएंगी, और कितने सेकंड में पार करता है दोस्तों, 25 सेकंड, तो हमने 25 कर दिया। अब दोस्तों कुल मिला के इसी को सॉल्व कर लीजिए, यही हमारा बन जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा 5x, ये x इधर आएगा तो दोस्तों माइनस का x हो जाएगा, बराबर इधर हो गया हमारा 300। 5 से जब 1 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x, तो 4x बराबर दोस्तों हो गया हमारा यहाँ पे 300। तो x बराबर अगर निकालेंगे दोस्तों 300/ हमारा कितना हो जाएगा 4 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों 4×7=28, 4×5=20, यानी कि कुल मिला के हमारा हो गया 75 मीटर बन गया। कितना बन गया दोस्तों, 75 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर देखें दोस्तों तो 61 के बाद अगर हम अगला नंबर देखते हैं 62 नंबर, तो 62 नंबर के क्वेश्चन पे यहां दिया गया है, कहा गया कि एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। अब दोस्तों जब खंभा को भी पार करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना ट्रेन अभी कहा गया मीटर में, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो फिर हमने ट्रेन की लंबाई क्या मान लिया दोस्तों, x मीटर मान लिया। तो x मीटर जब लंबी ट्रेन एक खंभे को पार करेगी तो खंभे की लंबाई नहीं जोड़ी जाती, तो केवल x बटे कितने सेकंड पार करता है दोस्तों, 15 सेकंड, तो हमने x बटे 15 रख दिया। फिर कहा गया है कि 15 सेकंड में एक खंभे को पार करती है, ठीक है, और 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करती है। कितने सेकंड में दोस्तों, 25 सेकंड में। तो यहाँ पे दोस्तों 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म, तो माना हमने ट्रेन की लंबाई x मान रखी थी, 100 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, तो इसलिए x प्लस 100 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो अब अगर इसको हम कट करें दोस्तों तो 5×3=15 हो जाएगा, 5×5=25 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 5x हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा 3x, प्लस का हमारा बन गया 300। अब दोस्तों 5x से जब 3x आके घटेगा तो इधर बचेगा हमारा 2x बराबर इधर हो जाएगा हमारा 300। ये क्या है दोस्तों हमारा 300। x बराबर जब निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आ जाएगा 150, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 150 मीटर हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो 62 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी ट्रेन की लंबाई हमने क्या निकाली है दोस्तों, 150 मीटर हमारी ट्रेन लंबी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 62 के बाद 63 नंबर, और 63 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लगेगा। समय हमको बताना है,
सब दोस्तों यहाँ पे सेकंड में दिया गया, इसका मतलब जो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल दी गई है, जिसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे जो दिया गया है 54, तो हमने 54 रख लिया दोस्तों, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमको समय ज्ञात करना है, और यहाँ पे 180 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई बता दी गई है, तो हमने 180 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई रख दिया, अब बटे यहाँ पे टाइम हमने टी कर लिया। अब अगर इसको हल करें तो 18 त्रिको हो जाएगा 54, और यहाँ पे 5 × 3 = 15 हो जाएगा। 15 दोस्तों, ये अगर इनको दोनों को हम कट करें तो गुणा करने में 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 15 से अगर इसको कट करें तो 15 × 15 = 15 बचा हमारा दोस्तों 3 = 30 हो गया, 15 × 2 = 30, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर टी बराबर आ जाएगा हमारा 12 सेकेंड। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 62-64 के बाद, यहाँ पे 63 के बाद दोस्तों 64 नंबर देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 45 किलोमीटर घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। समांतर पटरियों का मतलब दोस्तों क्या होगा, एक ही दिशा में चल रही हैं। अब बताया गया है कि फिर कहा गया है क्वेश्चन में समांतर पटरियों पर चल रहे हैं, यदि वे समान दिशा में चल रही हैं तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। हमको ये बात बताना है कि एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे। दोस्तों जब कभी भी, मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी दो ट्रेनें हों और एक ही दिशा में चलें या फिर दोस्तों विपरीत दिशा में चलें, तो उनकी ट्रेनों की लंबाइयों को आपस में क्या करते हैं जोड़ देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ट्रेनों की लंबाई जोड़ देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जब, यानी कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ दोस्तों, फिर से ध्यान समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि जब मैं कह रहा हूँ कि मतलब जैसे कोई दो ट्रेनें हैं वो एक ही दिशा में जाएं या फिर विपरीत दिशाओं में चलें, तो उनकी ट्रेनों की लंबाई आपस में क्या होती है जुड़ जाती है, पहली एक कंडीशन। और एक दूसरी बात ये है दोस्तों, जब हमारी यहाँ पे उनकी ट्रेनों की लंबाई तो जुड़ जाएगी, लेकिन जब चाल जो होती है, उनकी जो स्पीड होती है, जब वो दोस्तों क्या होती हैं एक दूसरे के समांतर चलती हैं, एक दूसरे के समांतर मतलब दोस्तों एक ही दिशा में चल रही हूँ, तो दोनों ट्रेनों की स्पीड आपस में घट जाती है। और जब विपरीत दोनों ट्रेनें चलती हों तो उन दोनों की ट्रेनों की स्पीड क्या होती है जुड़ जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यही काम इस क्वेश्चन में करना है। कहा गया कि 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई तो हम क्या करेंगे तुरंत जोड़ लेंगे। तो हमने यहाँ पे दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़ लिया, चाहे विपरीत हो चाहे दोस्तों क्या हो, विपरीत हो या समांतर हो, दोनों ट्रेनों की लंबाई हमने जोड़ दिया। 40 किलोमीटर घंटा और 45 किलोमीटर की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। अब दोस्तों कहाँ चल रही हैं, तो समांतर पटरियों पर चल रही हैं, तो समांतर मतलब एक ही दिशा में चल रहे हैं दोस्तों। जब एक ही दिशा में चलती है दोनों की स्पीड क्या होती है दोस्तों, स्पीड घट जाती है। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे स्पीड घट जाएगा। तो जब 45 से हम 40 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे ये हमने घटा दिया, इधर हमारा क्या निकल रहा है दोस्तों, टाइम निकल रहा है। अब अगर देखें दोस्तों, ये जो ये तो था हमारा क्या था मीटर में था, तो हमने ये मीटर रख दिया, और ये जो था हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 200 300 यानी कितना बन जाएगा 350 बन जाएगा, और ये जो हमारा बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा। 5 को अगर हम क्या करें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों 5/18 का, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या बन जाएगा टी बराबर, तो अब हम अगर देखें तो ये 350 हमारा वही रहेगा, 18 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 50 25 हो जाएगा, ये टी बराबर हो गया दोस्तों। 25 से अगर इसको हम कट करें तो ये कुल मिला के कट जाएगा हमारा दोस्तों 25 × 25 = 10 बचेगा, तो 25 × 4 = 100 यानी कि हमारा ये कुल मिला के 14 बार में कट जाएगा। अब अगर दोस्तों देखें तो 14 और 18 का मल्टीप्लाई कर दें दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 × 4 = 72 की 2 दोस्तों हो जाएगा, और हासिल लग जाएगा हमारा 7 × 18 = 18 7 दोस्तों कितना हो जाएगा 18 × 2 = 20 5 = 25 यानी कि 252 जो बना हमारा ये क्या बना है दोस्तों सेकेंड बना है। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों टाइम निकल के आ गया, यानी कि तो दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है, यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, बताते हैं, यहाँ मान लीजिए कोई ये डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को अगर कोई एक ट्रेन चलती है, मान लीजिए यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रेन को हमने यहाँ से छोड़ा, तो कहा गया कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर घंटे की गति से चलती है और 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन छोड़ जाती है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमने यहाँ पे एक ट्रेन चली कितने घंटे 40 किलोमीटर घंटा, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, यानी कि ये पहले 1 घंटे में 40 किलोमीटर चली गई, फिर अगले दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर चली गई। अब दोस्तों यहाँ पे जब ये 40 किलोमीटर चली गई तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जगह से दूसरी ट्रेन छोड़ेंगे, कौन सी ट्रेन छोड़ेंगे, दूसरी ट्रेन छोड़ेंगे। तो यानी कि जब ये 80 किलोमीटर आगे निकल जाती है तब जाके यहाँ पे दूसरी ट्रेन छोड़ी जाती है।
तो फिर क्या कहा गया, तो 4 घंटे में पकड़ लेती है। तो दोस्तों कुल मिला के अब यहाँ पे देखें तो 4 घंटे भी है और आगे चली जाएगी, यानी कि 4 घंटा इसको लगेगा इसको पकड़ने में, तब तक में 4 घंटे में ये भी कुछ चल जाएगी, 40-40 किलोमीटर और 4 घंटा चलेगी। तो अब दोस्तों यहाँ से अगर देखें तो ये 4 घंटे में मान लीजिए कि और चलेगी, क्या चलेगी दोस्तों, ये 4 घंटे में और चलेगी। तो ये 4 घंटे, पहले 1 घंटे में ये हो गया मान लीजिए 40 चला, फिर अगले दूसरे घंटे में फिर 40 चला, फिर अब दोस्तों क्या हुआ, अगले यहाँ पे फिर 40 किलोमीटर चला तीसरे घंटे में, फिर अगले इसमें फिर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, फिर 40 चल गया चौथे घंटे में। अब दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे इसने टोटल पहली वाली ट्रेन कितनी डिस्टेंस तय किया है, 40-40-40-40-40-40, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस पहले वाले कितना तय किया, टोटल डिस्टेंस ने तय किया हमारा 240 तय किया, कितना तय किया दोस्तों, 240 यहाँ पे किलोमीटर इसने तय किया। पहली ट्रेन हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 240 किलोमीटर तय कर लिया। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जो सेकेंड ट्रेन होगी, सेकेंड ट्रेन की स्पीड बताना है हमको, ये 240 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय कराना है, कितने घंटे में, 4 घंटे में तय कराना। 240 हमारा डिस्टेंस हो गया, समय दिया गया 4 घंटे दोस्तों। अब हमको ये निकालना है, इसकी स्पीड निकालनी है, तो स्पीड हम निकाल लेंगे दूसरी ट्रेन की, तो 204/24 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर, और 66 नंबर में कहा गया है कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है, इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर घंटा की चाल से प्रस्थान करती है, और 5 घंटों के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है, किलोमीटर प्रति घंटा में पहली ट्रेन की चाल बताएं। अब दोस्तों हमको फिर वही क्वेश्चन दिया गया जैसे भी हम लोगों ने सॉल्व किया है, मान लीजिए ये हमारी एक डिस्टेंस है, इसी दूरी को हमको तय करानी है ट्रेनों से। कहा गया कि एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ट्रेन हमारी फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है हमारी, यहाँ पे ट्रेन है। अब इसकी हमको स्पीड नहीं पता है, इसको किसी स्पीड से हमको यहाँ से छोड़ दिया जाता है, ठीक है। फिर कहा गया 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन, मान लीजिए इसके कुछ दूर जाने के बाद 2 घंटे बाद, जब 2 घंटे हो जाते हैं तो यहाँ से दूसरी ट्रेन क्या होती है, दूसरी ट्रेन 2 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है, और 5 घंटे के बाद अब पहली ट्रेन को बराबर में आ जाती है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो 5 घंटे में पहली वाली ट्रेन के बराबर आ जाती है। तो मान लीजिए पहले 1 घंटे में इसने ये कुछ चला होगा, दूसरे घंटे में ये चला होगा, अब फिर यहाँ से जब ये छोड़ी गई दोस्तों तो 5 घंटे में इसके बराबर मान लीजिए ये आ गई होगी यहाँ पे, तो क्या होगा, हुआ होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये 5 प्लस ये 2 घंटे यानी कि जुड़ जाएंगे, तो 7 घंटे में अगर 70 की स्पीड चलाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 × 35 यानी कि 70 × 5 करेंगे दोस्तों ये, और समय कितना बताया गया दोस्तों यहाँ पे हमको पहले वाली ट्रेन की स्पीड बतानी है, तो पहले वाली ट्रेन जो हमारी हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे उसके लिए कितना हो जाएगा टोटल कुल मिला के, यहाँ पे देखें तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से 50 किलोमीटर, यानी कि पहली वाली जो ट्रेन होगी ये तो 5 घंटे में 70 की स्पीड से दोस्तों 5 घंटे में तय कर लेती है, यानी कि ये जो सेकेंड ट्रेन है 70 की स्पीड से 5 घंटे में तय कर लेगी, लेकिन ये उतनी ही दूरी को 7 घंटे इसको लग रहा है, 1 घंटा ये 1 घंटा ये, अब दोस्तों यहाँ से इसको 5 घंटे और लग रहे हैं, यहाँ से 5 घंटे इतने में और लग रहा है, तो टोटल इसको इतनी ही दूरी कवर करने में कितना लग रहा है, 5 घंटा ये प्लस 6 घंटा ये 7 घंटा, तो 7 घंटे का हम इसमें क्या करते हैं भाग दे देंगे, तो दोस्तों ये आ जाएगा 10 10 50 50, यानी कि हम देखें तो 50 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें 66 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 66 के बाद दोस्तों अगर हम 67 नंबर देखें तो यहाँ पे 67 नंबर में दिया गया, कहा गया है कि एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, समांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है, कितने समय मिनटों में मेल ट्रेन ने मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है कि एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी है, फिर कहा गया उसी दिशा में 60 किलोमीटर घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल
ट्रेन चलती है। तो दोस्तों मैंने बताया है कि जब कभी भी दो ट्रेनों की बात आ जाए और दोनों ट्रेनें चाहे अपोजिट साइड में चलें या एक ही दिशा में चलें, दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को ऐड कर दिया। 250 ये था और यहाँ पे हमारा 200 ये था। हमने क्या किया, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, जब दोनों ट्रेनों की यहाँ पे हम लंबाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये तो हो गया ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे बताया गया है कि समांतर रेखा बस मालगाड़ी उसी दिशा में 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलती हैं और 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है तो जो मालगाड़ी को पीछा करती है और कुछ समय बाद इसे पीछे छोड़ देती है। कितनी समय, मिनटों में ट्रेन मेल मालगाड़ी पूरी तरह से पीछे छोड़ देगी। अब यहाँ पे हमको समय ज्ञात करना है दोस्तों। अब एक चीज़ हमको ये बात नहीं पता है यहाँ पे अच्छा 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये बताई गई है और इसकी स्पीड बताई गई 33 किलोमीटर और कितने समय में, दोस्तों को समय नहीं पता। समय हमने टी मान लिया और जब जिनकी दोनों की स्पीड जो बताई गई, स्पीड जब दोस्तों एक ही दिशा में होती है तो स्पीड क्या होती है, घट जाती है। अगर विपरीत दिशाओं में हों दोस्तों तो स्पीड जुड़ जाती है। तो हम 60 से 33 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 30। तो 30 से भी हम और 3 कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 27 आ जाएगा। 27 किलोमीटर घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए दोस्तों 5/18 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब दोस्तों क्या करें, इसको सॉल्व कर दिया जाए। अब अगर देखो इसको देखें तो 9 × 2 = 18 और यहाँ पे 9 × 3 = 27 हो जाएगा। तो 200 और 250 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 450 और टी और यहाँ पे हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको कट करें तो 15 × 3 = 45, यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो टी बराबर यहाँ पे आ जाएगा 30 × 2 = 60। ये जो आया हमारा दोस्तों 60 सेकंड आ गया। कितना आया दोस्तों हमारा, 60 सेकंड आ गया है। अब 60 सेकंड को हम लिख सकते हैं, एक मिनट भी लिख सकते हैं दोस्तों, एक मिनट MUNETE दोस्तों एक मिनट लिख सकते हैं। तो यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, एक मिनट। यानी कि यहाँ पे देखें तो 67 का ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा राइट होगा दोस्तों, 67 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 67 के बाद यहाँ पे 68 नंबर और 68 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कि दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही हैं। दोनों ट्रेनों की स्पीड बता दी गई है और एक ही दिशा में बताई गई दोस्तों। इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों स्पीडों को हम आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, इनको घटाएंगे। फिर कहा गया है की ओर यात्रा कर रहे थे, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई बताइए, हमको तेज चलने वाली गाड़ी क्या करना है, लंबाई बतानी है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, कुल मिला के अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा ये जो बनेगा दोस्तों, कुल मिला के अगर इनको हम घटा दें, 100 स्पीड जो बताई गई 110 से हम 90 जब घटाएंगे, घटा दिया और घटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनली जो दोस्तों जो इसको सॉल्व करने में जो भी आएगा, अब उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको समय कितना लगता है दोस्तों, 18 सेकंड। हम तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो मान लीजिएगा यहाँ पे हमने गाड़ी की जो लंबाई हमने मानी, ये ट्रेन की लंबाई डी मान लिया और कितना, 18 सेकंड। तो 18 सेकंड समय बता दिया गया दोस्तों, ये 18 हम कट कर देंगे। और अब अगर देखें तो 110 से जब 90 घटाएंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 तो बराबर डी। तो 20 × 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो डिस्टेंस हमारी ट्रेन की क्या आ गई दोस्तों, यानी गाड़ी की, तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई कितनी की निकल करके आ गई दोस्तों, 100 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 68 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा होगा दोस्तों, 68 का सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों अगर देखें तो 68 के बाद अगर हम 69 नंबर देखें तो 69 नंबर में यहाँ पे क्या दिया गया है, कहा गया दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड का समय लेती हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, कितने समय में दोस्तों। हम क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले इन दोनों की चाल निकालेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, मान लीजिए हमने क्या निकाला, पहली ट्रेन की चाल निकाला हमने यहाँ पे, फर्स्ट ट्रेन स्पीड, यानी कि क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड निकाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पहली ट्रेन की स्पीड हम निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि 120 मीटर लंबी दोनों ट्रेनें हैं और इसको पहले 10 सेकंड पार कर, दोस्तों ये 10 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा तो हमारी चाल आ गई इसकी 12 आ गई।
12 मीटर प्रति सेकंड हमारी इसकी क्या आ गई दोस्तों, चाल आ गई। अब अगर यहाँ से हम निकालें सेकंड ट्रेन की स्पीड निकालें तो दोस्तों फिर हमारी सेकंड ट्रेन भी 120 मीटर लंबी है और इसको 15 सेकंड लगता है दोस्तों, 15 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आ गया हमारा 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको पता है कि जब होता क्या है कि जब विपरीत चलती हैं तो दोनों ट्रेनों की लंबाई आपस में क्या होती है दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो हमने दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को जोड़ दिया। हमको निकालना है समय, तो हमने यहाँ पे समय टी लिख दिया। और उसके बाद हम जानते हैं चाल जब विपरीत होता है तो दोनों चालें जुड़ जाती हैं, अगर सेम डायरेक्शन में चाल होता है तो चाल घट जाती हैं। तो यहाँ पे तो विपरीत के लिए बोला गया, विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए। तो इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, दोनों चालों को जोड़ देंगे 12 प्लस 8। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको हल अगर कर दें तो 120 कितना हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा, और बटे हमारा कितना हो जाएगा टी, और यहाँ पे 12 8 20 हो जाएगा दोस्तों। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से अगर इसको कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो टी बराबर हमारा यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, 12 सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, टी बराबर 12 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया यहाँ पे 69 के बाद हमारा 70 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया कि 100 मीटर और 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक दूसरे की तरफ चलते हैं, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेंगी दोस्तों। तो सब कुछ हमको दिया गया है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया, एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी कि दोस्तों यानी कि विपरीत चल रही है। तो दोस्तों दोनों ट्रेनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को हमने ऐड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया, 18 मीटर 15 मीटर, ये समय नहीं दिया गया। समय दिया होता तो हम चाल बनाते, लेकिन चाल तो पहले से ही दे रखा है। दोनों यहाँ पे ये चालों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो 15 और 18, तो ये हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों, टाइम बराबर निकल आएगा। अब अगर इनको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 220, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30 3 33 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 दूनी 30 और 3 33। अगर 11 से कट करें दोस्तों तो 11 3 33 हो जाएगा, 11 दूनी 22 20 हो गया। अब अगर देखें इसको दोस्तों तो ये 3 से कट करेंगे दोस्तों, 3 6 18 हो जाएगा, 18 के बाद दोस्तों हमारा 2 बचेगा, फिर दोस्तों हमारा आ जाएगा 3 6 18, यानी कि 6.66 आएगा। तो हम 6.66 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6.7 लिख सकते हैं, इतने सेकंड हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि दोस्तों यहाँ पे दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। कैसे चल रही हैं दोस्तों, विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती हैं, 12 सेकंड में पार करती हैं, तो हमको ये बात बतानी है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हमको दोनों रेलगाड़ियों की क्या निकालनी है दोस्तों, चाल निकालनी है। तो अब अगर हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या करेंगे, हमको चाल निकालनी है, ठीक है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो मान लीजिए दो रेलगाड़ी रही होंगी तो यहाँ पे विपरीत बताए गए, दोनों चालों को हम जोड़ देंगे। तो मान लीजिए पहली चाल जो हमारी थी x और दूसरी चाल भी हमारी x रही है, और यहाँ पे जो बताया गया दो रेलगाड़ियाँ समान चाल से, यानी कि सेम चाल है दोस्तों, हमने दोनों को चालों को x और x कह लिया, और विपरीत चलने से दोनों चालें जुड़ जाएंगे, इसे हमने जोड़ दिया। फिर कहा गया विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बता दी गई दोस्तों, 120 मीटर, यानी दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई 120 और 120 है, तो हमने 120 और 120 कर लिया। फिर यहाँ पे बताया गया एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है दोस्तों, 12 सेकंड का समय लेती है, तो हमने यहाँ पे समय बदल दिया दोस्तों 12 सेकंड। अब अगर इसको हल कर दें तो ये आ जाएगा दोस्तों 120 120 कितना बन जाएगा, 240 बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12 12 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों तो कुल मिला के आ जाएगा यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे 20, तो x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो कुल मिला के 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा अभी एक चीज़ और देखें तो 18 36 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगी। ये तो दोस्तों हमारा क्या था, ये हमारा जो बना था मीटर प्रति सेकंड में था ना, तो यहाँ पे ये हमारा जो मीटर में दूरी दी गई है और सेकंड हमारा टाइम दिया गया है, तो ये तो हमारा क्या है मीटर प्रति सेकंड। हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 10/1 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम करेंगे 18/5, यानी कि छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों 18/5 हो जाएगा। तो 5 2 10, तो 18 2 कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 71 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। 71 के बाद दोस्तों अगर हम 72 नंबर देखें तो 72 नंबर यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में
कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर घंटा और 117 किलोमीटर घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। वे एक दूसरे को एक ही बिंदु पर पार करते हैं, तो रेलगाड़ियों एक दूसरे से कितने समय पार करेंगे? दोस्तों यहाँ पे विपरीत बता दिया गया, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, दोनों ट्रेनों की क्या होती हैं, ये जो लंबाइयाँ दी गई हैं, ये ट्रेनों की लंबाइयाँ क्या हो जाएंगी, आपस में दोस्तों हम जोड़ देंगे, यानी कि 100, ये जो दिया गया है 220, यानी दोनों ट्रेनों की जब लंबाइयाँ विपरीत दिशा में तो होती, ट्रेन की लंबाई तो चाहे विपरीत हो दोस्तों, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे विपरीत हो, तो ट्रेन की लंबाइयाँ जुड़ेंगी। लेकिन अगर ट्रेन की दिशा विपरीत होती है तो चाल जुड़ जाती है। अगर ट्रेन की चाल, मतलब अगर इनकी चाल जो होती है सेम दिशा में होता है तो चालें घट जाती हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विपरीत दिशा बता दिया गया दोस्तों, यहाँ पे ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में कि चलना शुरू करता है तो वे एक दूसरे को एक भी बिंदु पर पार करते हैं, रेलगाड़ियों कितने समय पार करेंगे, एक लड़के जिनकी लंबाई 220 मीटर 270 मीटर, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर मतलब दोस्तों ये भी विपरीत हो गया। तो यहाँ पे 220 मीटर पहली ट्रेन थी, 270 मीटर हमारी दूसरी ट्रेन थी। अब दोस्तों मीटर में है, अब हमको क्या करना है, सेकंड में से निकालना है, इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड में ही बनाना होगा। यहाँ पे जो चालें दी गई दोस्तों 135 किलोमीटर घंटा और 170 मीटर, एक दूसरे की ओर, दोस्तों क्या करेंगे, 135 और 117 को हम जब जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ बाहर करके दिखा देता हूँ मैं, 135 और यहाँ पे 117, 7, 5, 12, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 1, 2, दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, 252 बन गया। अब ये जो 252 हमारा दिया गया है, ये किस में दिया गया है हमारा, ये दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए दोस्तों 8, 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 18 का नंबर 18 हो जाएगा, 5, 2, 7 और 18, 4, 72, तो 15, 4, 60 कुल मिला के कितना बन जाएगा, 60। तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया दोस्तों, 60 रख लिया, क्या रख दिया दोस्तों, 60। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आएगा टाइम, अब इनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 2, 2, 400 हो गया, 490 बन जाएगा दोस्तों, कितना बन गया, 490 बटे यहाँ पे 6, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 6, 49 बटे कितना बन जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा दोस्तों यहाँ पे घटाएंगे तो ये 70 बन रहा था मेरे, 14, 5, 70 होगा, तो 14, 14, 5 यहाँ पे कितना होता दोस्तों, 70, हमने 60 लिख दिया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पे 70 होना चाहिए, इस जगह पे 70 हमने कर दिया। और यहाँ पे जो था दोस्तों, ये 0, 0 कट गया, 7 से ही हमारा कितनी बार में कटेगा दोस्तों, तो टी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 7 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये 72 के बाद 73 नंबर जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे 73 नंबर में कहा गया है कि दो रेलगाड़ियाँ एक साथ पहले स्टेशन पी से और क्यू तक और दूसरे स्टेशन क्यू से पी तक जाने के लिए क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा और 95 किलोमीटर घंटा की चाल से चलना शुरू करती हैं। यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो बताया गया, दो रेलगाड़ियाँ एक साथ पहले स्टेशन पी से क्यू तक और दूसरे स्टेशन क्यू से पी तक, यानी कि एक दूसरे के विपरीत हो गया दोस्तों, जाने के लिए क्रमशः 80 किलोमीटर घंटा और 95 किलोमीटर घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि 12 घंटे के बाद मिलते हैं तो उनके द्वारा तय की गई दूरी बताइए। अब हमको दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम पहला डिस्टेंस निकाल लें, यानी कि जो मान लेते हैं ट्रेन की जो ये चाल दी गई है 80 पहले दी गई, तो हमने 80 रख लिया और पहले जो डिस्टेंस निकालेंगे D1 मान लिया, और इसको जो समय लग रहा है कह रहा ना यहाँ पे, यदि वे 12 घंटे के बाद मिलती हैं, कितने घंटे बाद मिलती हैं दोस्तों, 12 घंटे बाद, तो यहाँ पे हमने 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 12, 8, 200 कितना हो जाएगा, 96, तो 960 यानी कि D1 यानी कि पहली दूरी जो आ गई हमारी 960 हो गई। कितनी आ गई दोस्तों, 960 किलोमीटर की आ गई पहली दूरी। अब ऐसे ही दोस्तों क्या करेंगे, दूसरी दूरी निकालेंगे, तो यहाँ पर दिया गया 95 और यहाँ पे D2 हम रख लेंगे, और यहाँ पे अगला समय कितना बताया गया, फिर दोस्तों 12 सेकंड हो जाएगा, तो 12 और 95 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा हमारा D2 बराबर हो जाएगा, 12 और 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 1140 बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, 1140 किलोमीटर बन जाएगा, ये हमारा D2 आ गया। अब हमको सब कुछ पता है, अब D1 D2 भी पता है, यानी दोनों की दूरियाँ पता हैं। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे इन दोनों डी इसे पूछा गया कि 12 घंटे मिलते तो उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर, अच्छा दूरियों का अंतर पूछा दोस्तों, तो एक दूरी तो हमारी 960 आ गई है, तो दूसरी दूरी हमारी 1140 आई है, तो हम 1140 से 960 को घटा देंगे, तो यहाँ पे 40, 40, 80 यानी कि 180 बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा हमारा यहाँ पे, 180 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 180 किलोमीटर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो देखें तो
ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 73 के बाद 74 नंबर, और 74 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग पर विपरीत दिशा में गतिमान है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय हमको बताना है दोस्तों, यहाँ पे क्या समय लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सब कुछ हमको पता है, कहा गया है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन है और 20 सेकंड के वेग से गतिमान है, कितने के सेकंड से गतिमान है दोस्तों, 20 सेकंड के वेग से। तो और यहाँ पे भी बताया गया 130 मीटर लंबी ट्रेन है और 30 सेकंड के वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है। दोस्तों यहाँ पे विपरीत कह दिया गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को ऐड करेंगे बिना सोचे समझे। और यहाँ पे जो ये चाल बता दी गई है दोस्तों 30 और 20, जब विपरीत होता है दोस्तों तो चाल भी हमारी क्या होती है, जुड़ जाती है। 30 20 हमारे क्या हो गए दोस्तों, 30 और 20 हमारे ऐड हो गए हैं, तो यहाँ पे 50 हो गया। अब अगर इसको हम हल करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 30 20 50 150, यानी कि 250, ये 250 हो गया बटे हमारा 50 नीचे दिया है ये, तो ये 005 से ये कट जाएगा दोस्तों, कितना जाएगा हमारा 5 सेकंड हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, टाइम, यानी कि क्या है ये, टाइम है, तो यानी 5 सेकंड आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा 74 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 75 नंबर, और 75 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर की लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती हैं, दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी। हमको इसमें क्या निकालना है दोस्तों, स्पीड निकालना है। तो अब अगर यहां से हम देखें तो दोनों ट्रेनों की दोस्तों क्या बता दी गई है लंबाई, तो दोनों ट्रेनों की जो हमारी लंबाई बताई गई है, तो उन दोनों ट्रेनों की लंबाइयों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। जब दोस्तों ऐड कर लेंगे और समय कितना बता दिया गया है दोस्तों हमारा यहाँ पे 9.3 सेकंड बता दिया गया, हमको संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी। अब दोस्तों संयोजित मतलब दोनों की गति बतानी है, संयोजित मतलब दोनों की इकट्ठे गति बतानी है, संयोजित कहा गया है ना, दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटे कितनी होगी, यानी संयोजित मतलब दोस्तों दोनों की जोड़ करके उनकी दोनों की गतियां मिला करके कितनी हो जाएंगे। तो सब कुछ हमको पता है दोस्तों, विपरीत बता ही दिया गया है यहाँ पे, विपरीत दिशाओं कह दिया गया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रेन की दोनों लंबाई 152.5 प्लस का ये 157.5, जब ऐड करेंगे और यहाँ पे हम 9.3 समय दिया गया, तो 9.3 समय रख देंगे, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्पीड है दिया गया है। अब दोस्तों अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा हमारा, 10 की 0 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे दोस्तों 7 2 9 1 10 की फिर 0 हो जाएगा, 5 5 10 1 दोस्तों 11 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 यानी कि 310 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा 310 हो जाएगा, और अपान करेंगे 9.3 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये जो 310 है हमने लिख दिया और ये पॉइंट हटा करके ऊपर एक जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ पे हमारा केवल बचा 93 बचा। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम कट करें तो ये जो हमारा कट जाएगा, ये यहाँ बचेगा 100 और ये हमारा कितने टाइम में कट जाएगा दोस्तों, 3 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 3 बार। तो हमारा कुल मिलाकर देखें तो ये 100 अपान का दोस्तों आ गया 3। अब 100 अपान 3 जो आया है ये हमारा किस में आया है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में आया, किस में आया दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में। हमको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 100 अपान का 3 बटे यहाँ पे हम करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 बटे 5, 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, 3 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 20 छक्का दोस्तों कितना आ गया, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर बन गया। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पर हमारा 75 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे 76 नंबर, यहाँ पे कह दिया गया क्वेश्चन में कि 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही, मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा। दोस्तों विपरीत कहा गया तो ट्रेन की लंबाई और चाल आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो 32 ये दिया गया है और 40 दिया गया, इन दोनों को जोड़ करके हम ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया, जिसको हम मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए दोस्तों 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोनों ट्रेनों की लंबाई 132 प्लस का हम करेंगे 108 बटे कितना कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे समय हमारा निकालना है, तो समय हमने टी कर दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, 32 40 जोड़ेंगे तो 70 2 72 हो जाएगा, अब बटे या 5 बटे 18, और इनको जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 32 8 40 हो जाएगा, तो कुल मिला के 240 बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, 240 बटे टी, तो 18 से ये कट जाएगा हमारा 4 बार में, 18 चौक 72, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 20
बराबर कितना हो जाएगा 240। अब अगर हम ये जीरो से ये जीरो कट दें और दो से अगर 24 को कट कर देंगे तो टी बराबर आ जाएगा हमारा 12 सेकंड, हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 76 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अब दोस्तों 76 के बाद अगर हम 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया जब दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 40 किलोमीटर घंटा और 32 किलोमीटर घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड पार कर जाती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी जो चाल दी गई है दोस्तों दोनों ट्रेनों की, तो हम ये जोड़ देंगे क्योंकि दोनों ट्रेनों की जो स्पीड होती है जब विपरीत होता है दोस्तों क्या होता है जुड़ जाता है, 40 और 32 दिया गया है। अब इस मीटर पर किलोमीटर घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए दोस्तों 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों यहाँ पे फिर हमारा क्या दिया गया, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस हमने डी मान लिया, समय बताया गया दोस्तों 15 सेकंड, तो हमने 15 रख दिया। तो दोस्तों ये 40 32 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 5/18, ये हमारा डी बटे दोस्तों कितना है 15, तो 18 का नंबर 18 18 चौक 72 दोस्तों, ये 5 चौक 20, अब 20 में जब दोस्तों हम 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा 300। तो ये डी हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 300 मीटर, हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 77 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 78 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया दो ट्रेनें 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई, दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति हमको क्या निकालना है, संयुक्त गति निकालनी है। तो यानी कि दोस्तों 153 मीटर लंबी एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन हमारी 127 मीटर लंबी है, और फिर कहा गया विपरीत दिशाओं से आती हुई 7.2 सेकंड में कितना दोस्तों 7.2 सेकंड में हमने ये क्या रख दिया, समय रख दिया, और पार करें दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति, यानी कि हमको स्पीड है निकालनी है दोस्तों, तो हम स्पीड निकाल रहे हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये कितना बन जाएगा 7 3 10 5 2 7 1 8 बन जाएगा, और 1 1 2 280 × 7.2, पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो बढ़ाया। अब अगर दोस्तों इसको हम कट करें तो ये हमारा किससे कट जाएगा, बचा 4 8 32 हो गया, और यहाँ पर 4 7 28 700 हो गया। अब दोस्तों देख लीजिए किससे कटेगा, ये हमारा कटेगा कुल मिला के, ये जो हमारा आ गया मीटर पर सेकंड में हमारा ये आ गया। अब हम इसको नहीं कट करेंगे, मान लीजिए जो हमारी स्पीड आ गई है ये स्पीड बन गई दोस्तों 700/18 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर घंटा बनाने के लिए दोस्तों 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों ये 18 कट गया, 5 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों तो 5 1 5 हो जाएगा, बचा 2 5 4 20, यानी कि 10, यानी कि स्पीड हमारी जो आ गई 140 आ गई, 140 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 78 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 380 किलोमीटर है, इन स्टेशनों से समांतर पटरियों पर एक साथ एक दूसरे को पार करने के लिए दो ट्रेनें चलती हैं, उनमें से एक की गति दूसरी से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी होगी, हमको ये बात बताना है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमने मान लिया पहली ट्रेन की स्पीड, मान लिया, माना यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों पहली ट्रेन की स्पीड पहली, और यहाँ पर हमने ट्रेन की स्पीड अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा मान लीजिए x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। इसी प्रकार अगर दूसरी ट्रेन की माने दोस्तों, तो दूसरी ट्रेन जो बताया है पहली ट्रेन से 7 किलोमीटर प्रति अधिक घंटा चल रही है, तो दूसरी ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी तो ये बन जाएगी दोस्तों x प्लस 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो ये तो हो गई दोनों ट्रेनों की हमने स्पीड मान लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में बता दिया गया ये तो हमने क्या इनकी स्पीड हमको पता चल गई। अब अगर पहली ट्रेन की हम क्या निकालें यहाँ पे, यदि पहली ट्रेन का समय दिया गया है दोस्तों यहाँ पे पहले ये कहा गया यदि शुरुआत से 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 2 घंटा समय बता दिया गया है, तो पहली ट्रेन के लिए अगर हम निकालें क्या दोस्तों यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों डिस्टेंस, यानी कि D1 मान लीजिए कि हमने D1 निकाला, तो D1 हमारा जो पहली ट्रेन की स्पीड है यहाँ पे x दी गई है, और यहाँ पे और अच्छा D1 जब निकालेंगे दोस्तों तो कुल मिला के हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, कि ये फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे मान लीजिएगा ये होता है फार्मूला स्पीड बराबर, तो स्पीड हमारी यहाँ पे पहली ट्रेन की कितनी दी गई है x, और D1 हमको नहीं पता D1 रख दिया, और अपान का हमारा क्या होता है
तो दोस्तों यहाँ टाइम कितना बता दिया गया, 2 घंटे का तो हमने 2 रख दिया। अब अगर यहाँ से डी वन का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी टू की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब दोस्तों डी टू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो दूसरी स्पीड हमारी कितनी दी गई है, एक्स प्लस सेवन दी गई, हमने एक्स प्लस सेवन रख लिया। और यहाँ पे डी टू इस बार हमको निकालना है और समय हमारे को 2 ही घंटे दिया गया। अब दोस्तों डी टू की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा 2 और ब्रैकेट में एक्स प्लस सेवन हो जाएगा। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें, अब टोटल डिस्टेंस इनकी निकालने, तो 2 घंटे बाद दोस्तों ये 126, कहा गया है कि 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी 126 किलोमीटर है और टोटल डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 380 किलोमीटर है। तो हम जो बची डिस्टेंस है वो अगर वो निकालें तो 380 से दोस्तों हम 126 माइनस कर दें, तो जब 380 से दोस्तों 126 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 254 आ जाएगा। इतना आ जाएगा दोस्तों, 254 किलोमीटर ही आ गई टोटल डिस्टेंस। अभी इतनी डिस्टेंस हमको तय करनी है। और टोटल डिस्टेंस दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो डी वन और डी टू को हम ऐड कर दें, डी वन और यहाँ पे प्लस का डी टू बराबर हमारा ये 254 के बनेगा। और डी वन हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 2x, डी टू दिया गया है दोस्तों हमारा 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स प्लस सेवन बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 254। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हल करें तो दोस्तों 2x ही है, 2x ही है, तो कितना हो जाएगा हमारा 4x प्लस का ये हो जाएगा 14 और बराबर यहाँ पे हमारा 254 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, 4x 14 इधर आके माइनस हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, 4 से 4 घटा देंगे 0 हो जाएगा, 5 से 1 घटाएंगे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 4 6 24 यानी कि 60 आ गई। तो हमने निकाल लिया दोस्तों इस एक्स की जो चाल थी, यानी कि जो एक्स हमने क्या माना था दोस्तों, यानी फर्स्ट ट्रेन की स्पीड मान के रखी थी, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, पहली ट्रेन की चाल। अब दूसरी ट्रेन की अगर चाल निकालेंगे तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, प्रत्येक ट्रेन की गति बताइए। तो दोस्तों एक तो आ गया हमारा 60। अब जब दूसरी ट्रेन का निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर जो ये दिया गया है, x प्लस सेवन बराबर हमारा दिया है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 67 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा हमारी ये दूसरी ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 60 और 67, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा 80 नंबर, यहाँ पे ये दिया गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर घंटा और 110 किलोमीटर घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों बाद में इसने क्या कह दिया है कि यदि वो दोनों ट्रेनें क्या हों, एक दूसरे के विपरीत चल रही हूँ, यहाँ पे दोस्तों क्या कहा है, समांतर पटरियों पर चल रहे हैं, तो यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, कैसे चल रहे हैं दोस्तों, विपरीत दिशाओं में। तो जब विपरीत दिशाओं का होता है दोस्तों, दोनों ट्रेनों की स्पीड जो होती है वो जुड़ जाती है और दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ भी जुड़ जाती हैं। तो हमको टाइम निकालना है दोस्तों, तो हम जानते हैं यहाँ पे स्पीड कितनी सब सेकंड में दिया गया है दोस्तों, इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में जो दिया होगा उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहली ट्रेन की जो स्पीड दी गई है दोस्तों यहाँ पे 130 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की दी गई है 110 किलोमीटर घंटा। अब दोस्तों यहाँ पे 130 प्लस का 110 ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद देखें दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है दोस्तों, हमारा डिस्टेंस, दोनों ट्रेनों की डिस्टेंस, एक की दी गई 210 मीटर और दूसरे की दी गई दोस्तों 250 मीटर, और अपान कितना कर देंगे दोस्तों यहाँ पे कुल मिला करके, ये हो जाएगा, हमको टाइम निकालना है। अब अगर इनको जोड़ दें तो 130 10 140 हो जाएगा, 240 बन जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 240 बटे यहाँ पे 18 मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 260, यानी कि 460 बन जाएगा, अपान का टी हो जाएगा। अब अगर इसको देखें दोस्तों तो ये हमारा 6 से कट जाएगा दोस्तों, अगर 18 से कट कर दें तो 18 से क्या कटेगा, तो यह 6 से कट कर देते हैं दोस्तों, 6 3 18 हो जाएगा और यहाँ पे 6 4 24 40 हो गया। और अब ये जो हो जाएगा दोस्तों कुल मिला के, अब अगर हम और देखें तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 4 5 20 यानी कि 200/3 और यहाँ पे हमारा 460/t दोस्तों, ये 0 से हमने ये 0 कैंसिल कर दिया। और इसका क्या करेंगे दोस्तों, टी का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे टी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 20 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे या टी के साथ, तो ये बन जाएगा हमारा 20t और 30 का 3 का इधर दोस्तों गुणा करेंगे 46 के साथ, तो दोस्तों 3 6 18 हो जाएगा और 3 4 12 एक दोस्तों 13 हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से निकालें टी की वैल्यू, तो यहाँ पे दोस्तों टी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे,
तो ये बन जाएगा टी की वैल्यू, दो से अगर भाग दर करेंगे दोस्तों, दो छंग 12 हो जाएगा, दो नहीं 18 हो जाएगा, और नीचे हमारा दोस्तों एक जीरो बचेगा, तो एक अंक बाद दशमलव रख दिया जाएगा। तो कुल मिला के इतना सेकंड हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 6.9 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 80 का ए हमारा क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 81 नंबर, और 81 नंबर के क्वेश्चन पर दिया गया है, करा विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेनें, एक 144.5 मीटर लंबी और अन्य 165.5 मीटर लंबी है, 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, हर घंटे दो ट्रेनों की संयुक्त गति क्या होगी। संयुक्त गति मान लिया दोस्तों हमने कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेनों की स्पीड बताई गई है, यहाँ पे पहली ट्रेन की स्पीड नहीं दोस्तों, पहली ट्रेन की डिस्टेंस यानी कि लंबाई बताई गई है 144.5, और दूसरी ट्रेन की लंबाई बता दी गई है 165.5 हो जाएगा, और टाइम कितना बताया गया दोस्तों, 9.3 सेकेंड। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमने किलोमीटर प्रति घंटा में लिखा, इसको भी हमको क्या करना होगा, ये मीटर प्रति सेकंड में जो है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा। अब इनको दोस्तों अगर जोड़ें तो 5, 5, 10 की जीरो हो जाएगा, पॉइंट लगा दिया, फिर 5, 4, 9, 1, 10 की दोस्तों फिर जीरो हो जाएगा, कैरी हो जाएगा हमारा 6, 6, 4, 10, 1, 11 हो जाएगा, कैरी 1 ही लगेगा दोस्तों, 6, 4, 10, 1, 11 की 1, 1, 1, 2, 1, 3 यानी कि 310 बन जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 9.3। अब दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे क्या, इसको ऐसा कर सकते हैं, तो कुल मिला के ये बन जाएगा हमारा 310 बटे 9.3, पॉइंट हटाया, ऊपर एक जीरो बना दिया, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए दोस्तों 18 बटे हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगर इसको हम 3 से कट करते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 9, 3 1 9, 3, और यहाँ पे 3 6 18 हो जाएगा। अब 31 से दोस्तों ये 31 कट जाएगा, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, और फिर इसको हम कट कर सकते हैं दोस्तों 5 से कट करते हैं तो 20 आ जाएगा, 20 6 का 120। तो कुल मिला के हमारा जो ये आ गया 120 किलोमीटर टोटल क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पे संयुक्त गति बतानी थी, यानी कि हमारी टोटल हर घंटे दो ट्रेनों की संयुक्त गति होगी, तो दोस्तों कितनी आ गई यहाँ पे, कुल मिला के 120 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या आ गई, 120 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पे जो संयुक्त गति हमको बताना है, तो ये हमारी 120 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया गया है 120 किलोमीटर केवल कह दिया है, ये तो डिस्टेंस दे दी गई है, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा भी होना चाहिए। तो अगर अब दोस्तों हम देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन हमारा मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 81 का ए हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक 350 मीटर लंबी ट्रेन एक 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो कुल मिला के दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा एक ये स्पीड दी गई है, और दूसरी यहाँ पे दी गई है स्पीड, यानी जो उसके विपरीत आ रहा है व्यक्ति तो उसकी स्पीड दी गई 9। तो जब विपरीत स्पीड होती है दोस्तों तो उनको क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हमने जोड़ दिया, मीटर प्रति सेकंड में हमको निकालना है, इसलिए दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा था, तो यहाँ पे हमने 5 बटे 18 का मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन कितनी मीटर लंबी है, 350 मीटर, तो हमने यहाँ पे 350 मीटर लंबी ट्रेन कर दिया, हमको समय ज्ञात करना, तो हमने टी रख दिया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम 54 और 9 को जोड़ेंगे तो 54 6 60 हो जाएगा, और 60 3 63 बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 63 मल्टीप्लाई 5 बटे यहाँ पे हमारा 18 दिया गया है, बराबर यहाँ पे 350 बटे टी हो जाएगा। फिर दोस्तों अगर इसको हम 6 3 से कट कर दे तो 3 6 18 हो जाएगा, और 3 2 6 3 1 9 3 हो जाएगा। अब 21 5 दोस्तों कितना हो जाएगा, यदि फिर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो 5 1 9 5 हो जाएगा, और 5 2 9 10 हो जाएगा, यानी कि 21 5 105, और बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, बराबर यहाँ पे 350 हो जाएगा, इंटू बटे टी हो जाएगा। अब क्या करते हैं दोस्तों, अगर इनको हम कट करें किसी से तो क्या और किसी से कटेगा दोस्तों, बिल्कुल कट जाएगा हमारा, ये भी हमारा 3 से और कट जाएगा दोस्तों, तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 3 5 15 हो जाएगा, 35 से ये 35 कट जाएगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 2 9 20, तो फाइनली जो हमारा टी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 20 सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो 82 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 82 के बाद दोस्तों 83 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इसको देखते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पटना से एक ट्रेन 5 AM छोड़ती है और 9 AM भोपाल पहुंचती है, दूसरी ट्रेन 6:30 AM भोपाल से छूटती है और 10 AM पटना पहुंचती है, दोनों ट्रेनें किस समय मिलती हैं, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये एक डिस्टेंस दी गई है
इस डिस्टेंस में हमको क्या करना है कि यहाँ पे मान लीजिए 5 AM का टाइम है, कितना बजा है दोस्तों यहाँ पे 5 AM का टाइम है, और यहाँ से कोई ट्रेन छूटती है और 9 AM पे यहाँ पे भोपाल पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है दोस्तों? भोपाल पहुँच जाती है। और इसकी जो स्पीड जो बताई गई है, स्पीड नहीं बताई गई है, ठीक है। फिर कहा गया कि दूसरी ट्रेन 6:30 AM भोपाल से, अब मान लीजिए दूसरी ट्रेन जो 6:30 यानी कि 6:30 पर यहाँ भोपाल से छूटती है और 10 AM पटना पहुँचती है, यानी कि यहाँ पे 10 AM पे पटना आ जाती है। फिर कहा गया दोनों ट्रेनें किस समय मिलती हैं, हमको टाइम बताना है कि दोनों ट्रेनें किस टाइम पे मिलेंगी। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे करेंगे क्या कि इस जगह पे अगर देखें तो यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि दोनों ट्रेनें किस समय मिलती हैं, ठीक है। तो अब हमको अगर मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का डिस्टेंस अगर देखें, टाइम का डिफरेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 5 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंट दोस्तों आ गया कितना, 4 hours का, यानी 4 घंटे का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम का डिफरेंट कितना आ गया, यहाँ पे कुल मिला के टाइम का डिफरेंट जो आया हमारा यहाँ पे आ गया कितना, 6 4 10, यानी कि 3.5 घंटे, यानी कि कुल मिला के देखें तो 3.5 घंटा हमारा क्या हो जाएगा, 3.5 घंटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे, इतना घंटे का हमारा क्या आया, डिफरेंट आया टाइम का। अब दोस्तों यहाँ पे अब जब इस प्रकार होता है, इस 3.5 घंटे को हम इस प्रकार भी तो ले सकते हैं, यानी कि 3 सही 1/2, और 3 सही 1/2 को बोले तो यानी 3 सही 1/2 3 6 7/2 घंटे भी हम लिख सकते हैं, 7/2 घंटा ऐसे भी लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो यानी कि हमने इस प्रकार लिख दिया। अब जब दोस्तों इस प्रकार का होता है क्वेश्चन में, तो हम करते क्या हैं, ये 4 घंटा जो डिफरेंट था और यहाँ पे जो ये 7 घंटा 7/2 घंटे का डिफरेंट है, इनका क्या करते हैं दोस्तों, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों? एलसीएम निकालते हैं। जब दोस्तों इनके एलसीएम ले लेंगे, 7 चौक 28, यानी कि हमारा 28 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब ये जो 28 एलसीएम आया है, तो मान लीजिए इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई दोस्तों, ये 28 किलोमीटर हो गई, ठीक है। ये पूरी डिस्टेंस हमको पता चल गई दोस्तों कितनी है, मान लीजिए कि कितना निकल के आ गया, 28 आ गया। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, अब हमको क्या करना है कि इनका जो दोस्तों ये हमने 28 निकाल लिया है, तो अब अगर इनका हम समय वो निकालें, स्पीड निकालें दोस्तों, तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस 28 रही होगी, 4 घंटे में तय करता है दोस्तों, तो 4 × 7 = 28, तो इसकी पहले वाली जो ट्रेन थी इसकी स्पीड आ जाएगी हमारी 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, ये पहले वाली ट्रेन की स्पीड आ गई। अब अगर दूसरे वाली ट्रेन को देखें तो इसमें लग रहा है दोस्तों 7/2 घंटे लग रहा है, तो 28 बटे 7/2 करेंगे तो 7 चौक 28, अर्थात 4 × 2 = 8, तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, दूसरे की स्पीड आ गई, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब इनको हमको निकालना है दोस्तों, रिलेटिव टाइम निकालते हैं दोस्तों। तो कैसे निकालते हैं आप ये समझ लीजिए, इनका रिलेटिव टाइम दोस्तों कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब दोनों ट्रेनें सेम टाइम पे होती हैं तभी उनका रिलेटिव टाइम निकाला जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि रिलेटिव टाइम लेते समय जब भी हम क्या करते हैं, अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, रिलेटिव टाइम लेंगे, तो रिलेटिव टाइम लेते सब हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि दोनों ट्रेनों का टाइम सेम हो, तब हम क्या करते हैं, रिलेटिव टाइम लेते हैं। कैसे लेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो हमने टोटल डिस्टेंस एक प्रकार से निकाला, कितना निकाला दोस्तों, 28, हमने ये 28 ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन 5 AM पे छूटती है, दूसरी ट्रेन हमारी 6:30 AM पे छूटती है, यानी कि ये कितना, यानी कि 1.5 घंटे बाद छूटती है। कितने घंटे बाद दोस्तों? 1.5 घंटे बाद छूटती है। तो अब ये बताया गया, मान लीजिए यहाँ पे ये 6:30 AM पे छूटी थी और यहाँ से ये 5 AM पे छूट रही, तो यानी ये 1.5 घंटे पहले छूट जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब 6:30 तक ये 5 बजे चलेगी और ये 6:30 बजे चलेगी, तो यानी कि इसको 6:30 तक लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 घंटे में ये यहाँ पे दिया गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये 7 किलोमीटर तय करती है दूरी। तो यहाँ पे 6:30 यानी कि 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों, 1.5 घंटे में ये तय करेगी, कुल मिलाकर के हमारा ये तय करेगी 7 × 3 = 10 = 10.5, यानी कि 10.5 मीटर समय तय करेगी। कितना दोस्तों? 10.5 किलोमीटर का दोस्तों तय करेगी। तो हमने 10.5 इससे क्या करिए, माइनस किया। अपान करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों की स्पीडों को यहाँ पे योग कर देते हैं, एक की स्पीड 7 थी, एक की स्पीड हमारी 8 थी, दोनों को हमने क्या किया दोस्तों, योग कर दिया। अब अगर इसको सॉल्व कर दे दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 28 से 10 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 18 से दोस्तों 0.5 और हम भी कम कर देंगे तो 17.5 आ जाएगा। अब बटे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 7 = 14 = 15 हो जाएगा। यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, 1 0 बढ़ा दिया। अब अगर इसको हम कैंसिल करें दोस्तों, तो कुल मिलाकर के ये जो आ जाएगा हमारा 25, से अगर हम इसको कट कर दें तो 25 × 7 दोस्तों 175, अब 25 × 6 = 150, यानी कि 7/6 जो हमारा टाइम आ गया ये। अब अगर इसको हम देखें तो ये बन जाएगा 7/6 को, तो 1 घंटा 1/6 मिनट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1/6 घंटा ये भी है, 1 सही 1/6 घंटा हम ऐसे लिखेंगे इसको।
तो अब ये जो 1 घंटा दिया है तो इसको तो हम वैसे ही लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो 1/6 दिया है इसको दोस्तों मिनट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई, तो ये हमारा कट जाएगा। तो कुल मिला करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कुल मिला के दोस्तों अब अगर हम देखें तो कह रहा दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलती हैं, हमको समय बताना किस समय पर मिलेंगी। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 6:30 बजे वो चलना स्टार्ट किया था, तो 6:30 से हम क्या करें 1 घंटा और अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये 6:30 में 1 घंटा 10 मिनट जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 6:07, 7:40 पे दोनों क्या मिलेंगी, हमारी मिलेंगी दोस्तों, ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। तो कुल मिला के देखें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे 7:40, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे 7:40 AM पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 83 के बाद यहाँ पे हमने क्या दिखा देखते हैं दोस्तों 84 नंबर, और 84 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कहा, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया कहा गया कि 2 स्टेशनों दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है, 1 रेलगाड़ी 4 PM पर दिल्ली से चलती है और अमृतसर की ओर 60 किलोमीटर/घंटा की औसत गति से बढ़ती है, दूसरी रेलगाड़ी 3:20 PM पर अमृतसर से चलती है और 80 किलोमीटर/घंटा की औसत गति से दिल्ली की ओर बढ़ती है, दिल्ली से कितनी दूर और कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां मिलेंगी, हमको ये बात बतानी है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे मान लीजिए हमने एक कोई डिस्टेंस बना दिया दिल्ली से अमृतसर की, और ये टोटल डिस्टेंस इसने बता रखा है क्वेश्चन में कि 450 किलोमीटर, हमने 450 किलोमीटर मान लिया। अब दिल्ली से कोई एक ट्रेन चलती है, कितने बजे चलती है दोस्तों, 4 PM पे चलती है, और इसकी स्पीड बता दी गई है 60 किलोमीटर/घंटा बता दी गई है, ठीक है, ये इधर के लिए अमृतसर के लिए जा रही है, और दूसरी जो इधर से यानी कि अमृतसर से दिल्ली के लिए जो ट्रेन चल रही वो चल रही दोस्तों 3:20 PM पे हमारी ट्रेन चल रही है, और इसकी जो स्पीड बताई गई है यहाँ पे, इसकी स्पीड बता दी गई है दोस्तों 80 किलोमीटर/घंटा बता दी गई है। अब अगर दोस्तों देखें तो ये दोनों ट्रेनों का क्या होता है, रिलेटिव टाइम निकालने के लिए करते क्या है, दोनों टाइम ट्रेनों के हम टाइम को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे 4 PM है दोस्तों, यहाँ पे 3:20 PM है, तो अब क्या करेंगे, अगर इसको हम 40 मिनट और बढ़ा दें दोस्तों तो मान लीजिए यहाँ तक ही आ जाएगा, तो ये 4 PM यहाँ भी हो जाएगा, कितना बच जाएगा इस जगह पे हमारा 4 PM यहाँ भी हो गया, अब यहाँ पे टाइम हो गया बराबर। तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया इसकी स्पीड बताई गई 80 किलोमीटर/घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना चलता है दोस्तों, 1 घंटे में दोस्तों 60 मिनट होते हैं दोस्तों, इसलिए हमने 60 मिनट रख दिया बराबर, यहाँ पे हो गया हमारा 80 यानी किलोमीटर/घंटा बताया गया है, तो हमने यहाँ पे रख दिया यानी कि 60 मिनट में हमारा 80 किलोमीटर चलेगा। तो अब अगर दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे हमारा 40 मिनट कितना चलेगा, तो पहले हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं, तो 1 मिनट में हो जाएगा 80/60 हो जाएगा, और यहाँ पे हम कुल मिला के करते क्या है, अगर हम 40 मिनट का निकालें दोस्तों, 40 के इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 0 से ये 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर इसको कट करें दोस्तों तो 2×3=6 हो जाएगा, और 2×4=8 हो जाएगा, तो कुल मिला करके ये हमारा बन गया दोस्तों 40 मिनट बराबर बन जाएगा, 4×16 यानी कि 160 आ जाएगा, और यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, इतना हमारा क्या बन गया, ये किलोमीटर/घंटा बन गया, यानी कि इतने किलोमीटर/घंटा हमारा ये हो गया, 40 मिनट में कितना चलेगा 160/3 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, हमने ये निकाल लिया। तो ये घंटा नहीं लगाएंगे दोस्तों, स्पीड नहीं है, तो हमने टोटल डिस्टेंस निकाली है, यानी कि 160/3 किलोमीटर हमने ये निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका रिलेटिव टाइम हमने ये निकाल लिया, अब हमको करना क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 450, तो 450 हमारा टोटल ये क्या है डिस्टेंस, हमने 450 रख दिया, और इसको घटा देंगे दोस्तों 160/3 यहाँ पे कर देंगे, 160/3 हो जाएगा, और अपान दोस्तों क्या करते हैं, दोनों स्पीडों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 60+80 हमारा जब ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा, अगर इसको सॉल्व कर दें तो ये एलसीएम ले लेंगे इसका, तो हो जाएगा हमारा 45×90, 90×9=113 बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों 135, बाद में हम क्या करेंगे 10 बना देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 160 हो जाएगा, अपान हम कितना कर देंगे दोस्तों 3 हो जाएगा, इसके ये 8×6=14 यानी कि टोटल बन जाएगा हमारा 140, तो 100 ये इतना तो हमारा ये हो गया, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा 140/1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1350-160 को जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा 1190 बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों 1190/3 हो जाएगा, और यहाँ पे कुल मिला के हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/1 हमारा हो जाएगा 140 हो जाएगा। अब दोस्तों ये 0 से ये 0 हमने कैंसिल कर दिया, और उसके बाद अगर दोस्तों देखते हैं तो इसको हम और भी कट कर सकते हैं, तो किससे कट कर दें, तो ये हमने कट किया दोस्तों 7 से अगर कट कर देते हैं, तो ये हाँ 7×2=14 हो जाएगा दोस्तों, ये 7×1=7 हो जाएगा, बचा 4 तो 7×7=49 हो जाएगा, कुल मिला के आ गया 17/6 हमारा दोस्तों, आ गया 6 17/6 हमारा क्या बन गया दोस्तों ये।
अगर 17/6 को अगर हम बनाएं दोस्तों घंटे में कन्वर्ट करें तो ये जो बन जाएगा हमारा 6 × 12 तो 2 घंटा बन गया, और यहाँ पे 6 × 12 5 बचा दोस्तों, तो यहाँ पे 5/6 बनेगा। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, तो कुल मिला के यहाँ पे आ गया 2 घंटा 50 मिनट बन गया दोस्तों। कितना बन गया? 2 घंटा 50 मिनट। तो अब दोस्तों ये 2 घंटा 50 मिनट जो हमारा आ गया, ये क्या हो गया हमारा 2 घंटा 50 मिनट, ये हो गया यहाँ पे टोटल टाइम हो गया। 2 घंटे 50 मिनट को हम लिख सकते हैं, अथवा करके हम इसको 2 घंटे 50 मिनट पर बनाएंगे तो मिनट में कन्वर्ट करें पूरे को तो कितना बन जाएगा हमारा, ये 170 मिनट बन जाएगा। तो हम इसको 170 मिनट भी लिख सकते हैं अथवा करके। तो अब हमको यहाँ से ये बात पता चल गई 170 हमारा मिनट आ गया है, यानी कि अब अगर इसको टाइम देखें तो मान लीजिए 4 बजे से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ से कितने बजे, 4 बजे चलना स्टार्ट किया था, तो जब 4 बजे चलना स्टार्ट करेगा 2 घंटे 50 मिनट और हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना हमारा हो जाएगा, जब 2 घंटे और ऐड करेंगे 4 बजे से तो 6 बजकर 50 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6 बजकर 50 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6 बजकर 50 मिनट, ये हमारा बन जाएगा 6 बजकर 50 मिनट हो गया। तो ये बन गया हमारा दोस्तों 6 बज के 50 मिनट। तो यहाँ पे तो यानी कि और यहाँ पे PM दिया था तो हमने यहाँ पे PM लगा दिया दोस्तों 6 बज के 50 PM। अब ये क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने तो टाइम निकाल लिया दोस्तों 6 बज के 50 मिनट होगा, और कहा कितनी दूरी पे मिलेंगे दोस्तों, अब हमको दूरी बतानी है। अब दोस्तों हम यहाँ से एक बात जानते हैं कि क्वेश्चन में बताया गया है कुल मिला के 60 मिनट हमारा दिया गया है, यानी कि ये 60 मिनट में हम कितना तय करते हैं दोस्तों, 60 किलोमीटर तय करते हैं, यानी कि ये कहा गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में कितना जाएगा 60 किलोमीटर जाएगा, तो एक घंटा बराबर होता हमारा 60 मिनट, तो हमने रख दिया 60 मिनट बराबर हमारा कितना जाएगा 60 किलोमीटर। तो यहाँ से हम अगर देखें तो एक मिनट में जाएगा वो 1 किलोमीटर जाएगा, हमको जाना है दोस्तों कितना 170 मिनट में जाना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 170 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 170 मल्टीप्लाई 1 बराबर फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 170, तो अब यहाँ पे किलोमीटर। तो कुल मिला के दोस्तों हमको ये बात पता चल गई कि दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पे 170 मिनट में कितना जाएंगे, यहाँ पे 170 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। तो कुल मिला के हमारा जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों 170 किलोमीटर और 6 बजकर 50 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 170 किलोमीटर और 6 बजकर 50 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं तो आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा समझ में आ जाएगा, चलिए मैं दिखाता हूं फिर से करके इस क्वेश्चन को। यहां पे कहा गया 2 स्टेशन दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी 450 मीटर। मान लीजिए दोस्तों यहां पे एक डिस्टेंस दी गई है, ये दिल्ली और अमृतसर के बीच की दूरी कितनी बता दी गई, यहाँ पे 450 किलोमीटर बता दी गई, तो हमने यहाँ पे रख दिया 450 किलोमीटर रख दिया। और यहाँ पे दिल्ली से हमारी कोई ट्रेन 4 PM पे चलती है, और यहाँ से हमारी अमृतसर से कोई ट्रेन 3:20 पे चलती है, 3:20 PM पे चलती है। अब उसके बाद बताया गया कि इसकी जो दिल्ली से हमारी जो अमृतसर के लिए ट्रेन जाएगी उसकी स्पीड बता दी गई है दोस्तों कितना, 60 किलोमीटर, तो हमने यहाँ पे रख दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा रख दिया। और इसकी जो स्पीड बताई गई है दोस्तों यहाँ पे, इसकी स्पीड बताई गई है यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कितनी बताई गई है दोस्तों 80 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड बता दी गई है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कुल मिला के अब देखा जाए कि यहाँ पे जो ये बताया गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम देखें तो एक घंटे में कितना जाती है दोस्तों, ये 80 किलोमीटर जाती है, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। तो हमको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे मिनट में निकालना है, तो 60 मिनट हम एक घंटे को 60 मिनट भी ले सकते हैं ना, तो 60 मिनट बराबर हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर। अब यहाँ से अगर देखें तो ये एक मिनट बराबर अगर हम निकालें तो एक मिनट बराबर आ जाएगा यहाँ पे 80/ हमारा कितना बन जाएगा दोस्तों, 80/ हमारा ये आ जाएगा 60, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, और यहाँ से अगर 2 से कट करेंगे दोस्तों तो 2 × 4 = 8 और 2 × 3 = 6, यानी कि इतना किलोमीटर बन जाएगा। अब हमको निकालना है दोस्तों यहाँ पे क्या निकालना है, हमको निकालना था कुल मिलाकर के निकालना है 40 मिनट का निकालना है, किसका निकालना है दोस्तों 40 मिनट का। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और उधर भी दोनों तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 40 मिनट बराबर आ जाएगा कितना हो जाएगा, 4 × 16 160/ कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 160/3 हो जाएगा, यानी कि इतने किलोमीटर हमारा आ जाएगा, यानी कि 40 मिनट में हमारा 160 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, ये हो गई।
अब इनका रिलेटिव टाइम निकालेंगे दोस्तों, तो रिलेटिव टाइम जब हम निकालेंगे तो दोस्तों टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है दोस्तों, 450 से हम इस 160 बटे 3 को कम कर दें, यानी कि हम 40 मिनट उसने कितना तय किया दोस्तों, मान लीजिए 40 मिनट यहाँ रहा होगा, तो इतने समय में यानी कि 40 मिनट में उसने 160 बटे 3 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो हम 450 से इतना कम कर दें। अब बटे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम दोनों स्पीडों को जोड़ देते हैं, जब दोनों स्पीड यहाँ पर जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 और 80 हो जाएगा, 60 प्लस हमारा यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब इनको घटाएंगे दोस्तों तो कुल मिला के ये बन जाएगा हमारा 1350 माइनस के यहाँ पे 160 बटे दोस्तों हो जाएगा 3, और इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा कुल मिला करके 1/140 हो जाएगा, 1/140 हो जाएगा। अब इनको घटाने पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1190 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों हमारा 1190/3 मल्टीप्लाई 1/140 हो जाएगा। सब कुल मिला के ये सब जीरो से जीरो हमने कट कर दिया, और अगर इसको हम और 7 से कट करेंगे तो दो बार में कट जाएगा, यहाँ पे 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 17 आ जाएगा, तो कुल मिला के 17/ यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। 17/6 को अगर हम कन्वर्ट करें दोस्तों मिनट में या घंटे में, तो ये आ जाएगा हमारा 2 बजकर यानी कि 2 घंटे हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे 2 घंटे और यहाँ पे 50 मिनट बन जाएगा। 2 घंटे 50 मिनट को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो इसको लिख सकते हैं 6 × 12 = 17, यानी कि 170 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 170 मिनट लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 170 मिनट जो हमारा बन गया, तो कुल मिला के हमको 4 बजे से हम चलना स्टार्ट किए थे, तो 4 बजे जब चलना स्टार्ट करेंगे तो हमारा 2 घंटे 50 मिनट और जुड़ जाएगा, 4 × 2 = 6 घंटे, यानी कि 6:50 यानी 6 घंटे 50 मिनट हमारा ये टाइम हो जाएगा, और ये पीएम में दिया था दोस्तों, तुमने यहाँ पे पीएम लिख लिया। अब हमको ये बात बतानी है, ये कहा गया है क्वेश्चन में कि अब ये तो हमने टाइम तो निकाल लिया 6:50 पीएम पे, तो ये तो हमारा ये एक चीज़ हो गई। अब हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर डिस्टेंस निकालें दोस्तों तो कुल मिला के हम यहाँ पे जानते हैं कि 1 घंटे में हम यहाँ पे कितना जाते हैं दोस्तों, यानी कि 1 घंटे में हम जाते हैं 60 किलोमीटर, तो यानी कि अगर देखें तो 60 मिनट में हम कितना जाएंगे, 60 मिनट में 60 किलोमीटर जा रहे हैं। तो अगर हम निकालें दोस्तों यहाँ पे, अब फिर यानी कि 1 मिनट में बराबर कितना जाएंगे, 1 किलोमीटर जाएंगे, हमको 170 उसमें जाना है, 170 मिनट में जाना है दोस्तों, तो 170 मिनट में जब जाएंगे तो 170 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 170 मिनट में आ जाएगा 170 किलोमीटर आ जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है, 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से शुरू होती है, यदि दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगी, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे एक दो स्टेशन है यानी कि ए और बी, तो हमने ये एक स्टेशन बना दिया दोस्तों, यहाँ पे नाम दे दिया दोस्तों, ये एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन हमारा बी है, ये स्टेशन ए और ये बी। यहाँ पे कहा गया सुबह 8 बजे, मान लीजिए यहाँ पे हम यानी कि सुबह 8 बजे यानी कि 8 AM पे हम चलते हैं सुबह 8 AM पे, और यहाँ पे होता क्या है, सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यहाँ पे स्पीड कितनी बता दी गई दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बता दी गई है, अपनी यात्रा शुरू करती है, 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर, अब स्टेशन बी से 1 घंटे बाद यानी कि अब 1 घंटे बाद बोले तो दोस्तों यहाँ पे कितने बजे, 9 बजे, यानी कि अब कितने बजे यहाँ से चलेगी, 9 AM पे चलेगी, और कितनी स्पीड उसकी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों, यहाँ पे हम रख देंगे कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है, फिर 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार शुरू होती है, यदि दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर दूरी पर हैं, दोनों स्टेशन कितने हैं दोस्तों, 220 किलोमीटर यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितनी इसकी बता दी गई है दोस्तों, कुल मिला के 220 किलोमीटर डिस्टेंस बता दी गई है, टोटल डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम, तो ये बताना है कि तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगी, हमको ये बताना है कि एक दूसरे को कितने समय पर वो पार करेंगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर हम इनका वो निकालें दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे 8 बजे ये 8 AM पे शुरू होती है और ये 9 AM पे शुरू होती है, और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों जब हम इनका रिलेटिव टाइम निकालेंगे यानी टाइमों को बराबर करेंगे, तो यहाँ से मान लीजिए जो 8 AM पे चलिए, तो यानी कि इस यहाँ पे यहाँ तक आने पर
ये 9 बज जाएंगे। अब यहाँ पे कितना बज गया दोस्तों, 9 एएम हो गया। अब 9 एएम 9 एएम ये टाइम बराबर हो गया, तो ये जब एक घंटे में 40 किलोमीटर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 40 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 220 है, इस 220 से हम 40 पहले चला चुके हैं, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे हम 40 घटा देंगे और दोनों स्पीडों को क्या करते हैं नीचे हम यानी जोड़ देते हैं। तो यानी कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50 हो जाएगा, तो फाइनली जो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 बटे यहाँ पे 90 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों, 180 बटे 90, यानी कि ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 घंटे आ गया। कुल मिला के अगर देखें तो 2 घंटे आ गया। अब अगर हम देखें तो कहा किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, हमको टाइम बताना है दोस्तों। तो 9 से अगर हम 2 घंटा जोड़ेंगे तो 9 2 11, यानी कि 11 एएम पे वो क्या करेंगी, एक दूसरे को पार करेंगी। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 85 के बाद दोस्तों अगर 86 नंबर देखते हैं, 86 नंबर में पूछा गया है, यहाँ पे कह दिया है कि 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटा कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया कि 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटा कितना होगा, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों ट्रेनों की लंबाई हम आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये 150 और 130 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो समय बताया गया 7.2 सेकंड, कहा गया दोनों ट्रेनों की गतियों का योग प्रति घंटे ज्ञात कीजिए, हमको क्या निकालना, दोनों ट्रेनों की गति निकालना। तो मान लीजिए दोनों ट्रेनों की स्पीड जो रही होगी वो x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, कितनी रही होगी दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसको हल करेंगे तो 150 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 180 यानी कि 280 बन जाएगा। फाइनली दोस्तों कितना बन गया हमारा, ये 280 बटे ये आ जाएगा हमारा 7.2, पॉइंट हटाया ऊपर एक जीरो बन गया। अब अगर देखें तो ये हमारा किससे कट जाएगा दोस्तों, ये हमारा कट सकता है किससे, इसको कट करके हमको क्या निकालना है दोस्तों, फाइनली वैल्यू निकालनी है। तो अगर इसको हम क्या करें दोस्तों, यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 18 बटे 5 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, और ये 18 चौक 72, 4 बार में कट गया, 5 चौक 20 हो जाएगा दोस्तों। तो ये 20 से हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 1 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू निकल करके आएगी दोस्तों, यहाँ पे 140 हमारा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखते हैं तो हमारा यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 86 के बाद 87 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि एक रेलगाड़ी की निर्बाधित औसत चाल 45 किलोमीटर घंटा है तथा बाधित औसत चाल 36 किलोमीटर घंटा है, रेलगाड़ी को रुकने के समय का औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको निकालना है रुकने के समय का औसत, जब निकालना हो दोस्तों, तो यानी कि रुकने का औसत हम 60 में लिखे दे रहे हैं दोस्तों, रुकने का औसत। तो ये जो हमारा रुकने का औसत बनेगा, तो कुल मिलाकर के ये जो हो जाएगा हमारा क्या होता है, रेलगाड़ी की निर्बाधित यानी कि बिना रुके हुए जो स्पीड है वो, और जो रुक रुक करके चलती है यानी कि उसकी स्पीड को क्या करते हैं, आपस में घटाते हैं और बटे क्या करते हैं, जो बिना रुके हुए ट्रेन की स्पीड जो दी गई है वो रख देते हैं 45। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 बटे यहाँ पे आ जाएगा 45, और यहाँ पे हमारा जो 9 बटे 45 हो गया, अब यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, ये आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया, हमको निकालना औसत चाल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हो गया इतने 9 बटे 45, तो 9 पना 45 यानी कि 1 बटे ये 5 आ जाएगा, 1 बटे 5 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये हमारा घंटे में आया है, 1 बटे 5 घंटा, इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1 बटे 5, मल्टीप्लाई हम 60 का कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कुल मिला के हमारा 12 मिनट हमारे इस क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 87 का सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 87 के बाद 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है, यात्रा का पहला आधा हिस्सा 45 किलोमीटर घंटा और दूसरा आधा हिस्सा 55 किलोमीटर घंटा की गति से पूरा किया जाता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, हमको टोटल डिस्टेंस बतानी है। तो मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों जो बता दिया गया कि एक ट्रेन 8 घंटे में कोई यात्रा पूरी करती है, कोई एक यात्रा होगी उसको 8 घंटे में पूरा कर लेती है, ठीक है, और जो इसकी यहाँ पे बता दी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा पहले आधा हिस्सा, दूसरा हिस्सा बताया गया 55 किलोमीटर, यात्रा की कुल दूरी बतानी है, यानी कि कुल दूरी हमको बतानी है कितनी हो जाएगी। तो अब दोस्तों अगर इसको हम सॉल्व करें तो कुल मिलाकर के अगर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे जो बता दिया गया है हमारा ये जो अगर हम औसत इसका निकाल लें और 8 घंटे टोटल समय बता दिया गया, औसत हम जानते हैं फार्मूला होता है 2AB बटे A+B, ये होता है कुल औसत।
तो हमने कुल औसत में रख दिया दोस्तों 2 रख दिया, ए का मान दोस्तों 45 दिया गया है, बी का मान दोस्तों 55 दिया गया है, अपान कर देंगे 45 प्लस का 55 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अगर हम दोस्तों इसको हल करें तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 45, यहाँ पे 55 और बटे कितना हो जाएगा हमारा 45 प्लस 55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कुल मिला के ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा हमारा 495 यानी 4950 बन जाएगा। कितना बन जाएगा दोस्तों 4950 बन जाएगा। नीचे हमारा 100 दिया गया है तो दोस्तों 1060 कट गया। कुल मिला के ये जो बनेगा हमारा 49.5 ये आ गया हमारा क्या आ गया दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी इसकी औसत चाल आ गई है। ठीक है, क्या निकली है दोस्तों, ये औसत एवरेज स्पीड निकली है, ये एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया। आप क्या करते हैं दोस्तों, जो एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया है, हमको बताना है कि यात्रा की कुल दूरी बतानी है, तो अब कुल दूरी यहाँ पे समय बता दिया गया दोस्तों कितना है यहाँ पे। अब हमको स्पीड पता है दोस्तों 49.5 किलोमीटर और हमको कुल दूरी बताना है, मान लिया दूरी टोटल डी रही होगी। समय बता दिया गया दोस्तों 8 घंटे, तो डी बराबर अगर निकालें तो ये 49.5 में हम 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 8×45 की 0 हो जाएगा, कैरी हो गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 72 दोस्तों 76 की 6 हासिल लगा दोस्तों 7 8 4 32 7 हो जाएगा दोस्तों 32 7 हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो कुल मिला के 39 एक अंक बाद दशमलव रख देंगे तो यानी कि 396 हमारा किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गई। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा 88 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 88 के बाद 89 नंबर और यहाँ पे जो दिया गया है कहा गया है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, एक ट्रेन एक तरफ की दूरी को 80 किलोमीटर घंटा की गति से और वापसी की यात्रा पिछली गति की 3/4 गति से तय करती है। इस ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए, हमको क्या निकालना है औसत गति निकालना है। तो एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला हम जानते हैं दोस्तों, एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला जानते हैं यहाँ पे ए टू ए बी बटे यहाँ पे ए प्लस बी, ये एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला होता है। तो अब दोस्तों यहाँ बताया गया दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 100 किलोमीटर, तो 100 हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई है कि एक ट्रेन एक तरफ की दूरी को 80 किलोमीटर, तो ए का मान तो हमको पता हो गया 80 किलोमीटर हो गया, लेकिन कहा वापसी में क्या करता है ये क्या करता है 80 किलोमीटर का जब 3/4 निकालेंगे दोस्तों 3/4 तो ये क्या हो जाएगा 4 × 8 यानी कि 20 हो जाएगा, 20 × 3 = 60, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ गया दोस्तों, ये दूसरी स्पीड आ गई। अब पहली स्पीड हमको पता ही थी तो अब इस फार्मूले में रख देंगे दोस्तों 2, ए का मान हमारा पहला कितना दिया गया दोस्तों 80 दिया गया है, दूसरा हमको पता है 60 आ गया है, बटे कर देंगे यहाँ पे 80 + 60 ये हो गया। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई 80 × 60 बटे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8×6 = 14 यानी कि 140, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पे अगर इसको कट करें तो 2×7 = 14 = 7 हो गया और यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ये बन जाएगा हमारा दोस्तों 8×48 यानी कि 480, 6×48 = 480 बटे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 480/7 हो गया तो ये क्या निकल के आ गया दोस्तों हमारा एवरेज स्पीड आ गया, क्या आया है दोस्तों एवरेज स्पीड आ गया है। तो हमको निकालना ट्रेन की औसत निकालनी थी दोस्तों, तो ये जो आया है ट्रेन की एवरेज स्पीड ही तो आ गया है। अब लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे पॉइंट में दे रखा तो हम इसमें भाग कर देंगे तो 7×49 ज़्यादा हो जाएगा तो 7×42 हम कितनी बार ले जाएंगे दोस्तों 6 बार ले गए भाग इसको तो 7×42 बचा कितना दोस्तों हमारा 42, 6 बचा और 60 हो गया तो 7×49 = 7 8×256 यानी कि 8 हो जाएगा, 7×56 = 4 बचा दोस्तों 40 हो गया और 7×35 यानी कि 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसा हमारा ये बन जाएगा, इतना बन जाएगा भाग देने पे दोस्तों कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड उसकी कितनी आ जाएगी 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 89 के बाद दोस्तों अगर 90 नंबर हम देखते हैं तो 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कहा गया कि एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में और 195 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या निकालना है दोस्तों, ट्रेन की औसत गति निकालना है। तो अगर यहाँ पे हम निकाल लें, माना ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे हमने ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया दोस्तों कितनी है x मान लिया और ट्रेन के बाद दोस्तों अगर हम ट्रेन की लंबाई तो हमने ये मान लिया और उसके बाद अगर हम ट्रेन की स्पीड मान लें कोई तो यहाँ पे हमने ट्रेन की स्पीड मान लिया यानी कि गति उसकी मान लिया वाई है। तो अब फार्मूले में बताया गया एक ट्रेन 155 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में, तो यहाँ पे
कोई एक ट्रेन है दोस्तों, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई कितनी बताई गई है दोस्तों, यहाँ पे कितनी बताई गई है 155 मीटर लंबा ट्रेन है, तो ठीक है 155 हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई बता दी गई 155 मीटर, हमने 155 रख दिया और यहाँ पे प्लेटफार्म की लंबाई रख दी और ट्रेन की लंबाई, ये आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और फिर उसके बाद दोस्तों क्या होगा, 16 सेकंड पार करता तो हमने यहाँ पे 16 रख दिया और यहाँ पे जो स्पीड थी हमारी वाई तो हमने ये वाई रख दिया। तो अब इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा हमारा 16y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 155 प्लस का x हो जाएगा, और फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा बन गया 16y माइनस का x बराबर 155 हो गया, ये समीकरण बन गया एक। अब अगर हम समीकरण दो निकालें, क्या निकालें यहाँ पे, समीकरण दो बनाएं, तो समीकरण दो के लिए हमारा यहाँ पे फिर ये y दिया गया है हमारा स्पीड। तो अब दोस्तों जो दूसरी ट्रेन का हमने निकाल लिया यहाँ पे कितना कर देंगे, बटे हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे 18 सेकंड इस बार दिया गया तो हमने यहाँ पे 18 सेकंड कर दिया। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 18y बराबर ये बन जाएगा 195 प्लस का x, तो हमने क्या किया 18y माइनस x और इधर बराबर हमारा 195 हो गया, समीकरण हो गया दोस्तों दो। अब समीकरण एक और दो को जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो कुल मिलाकर के क्या होगा, यहाँ पे हम जोड़न इनको क्या करेंगे आपस में घटाएंगे, तो समीकरण एक हमारा यहाँ पे था 16y यहाँ पे माइनस x बराबर यहाँ पे था 155 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण एक है। अब दोस्तों जब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में क्या करेंगे आपस में घटाएंगे, तो ये चिन्ह माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो दोस्तों ये कैंसिल हो जाएगा माइनस 16 18, तो 18 से जब 16 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2y और इधर हमारा 195 से जब 155 घट जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा, 5 से 5 घटाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगा, 9 से 5 घटाएंगे दोस्तों 4 आ जाएगा, कुल मिला के यहाँ पे अगर हम y बराबर निकालें तो 20 आ जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये y हमने क्या मान रखा था दोस्तों, y हमने मान रखा था स्पीड मान रखी थी, तो स्पीड हमारी कितनी आ गई दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई है, तो ये जो आया है मीटर प्रति सेकंड में आया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो क्योंकि हमारा मीटर में था ये सेकंड में था तो इसलिए मीटर प्रति सेकंड हमारा आया है। हमको निकालना है दोस्तों क्या, ट्रेन की औसत गति निकालनी है। इसके पहले हम क्या करते हैं, y का मान किसी एक पर रख देते हैं तो हमारा x का मान निकल आएगा। तो अब दोस्तों क्या करते ये हैं कि y का मान अगर यहाँ पे समीकरण एक में रख दें दोस्तों तो हमारा हो जाएगा 16y का मान यहाँ पे 20 आया है और यहाँ पे हमारा x हो जाएगा बराबर हमारा कितना दिया गया है 155 दिया गया है, तो 16 दूनी 32 दोस्तों 320 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 155 हो जाएगा बराबर हमारा दोस्तों x हो जाएगा। अब 155 से जब दोस्तों हम 320 घटाएंगे तो किल में आके कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे 10 से 5 घटाएंगे दोस्तों यहाँ पे 5 आ जाएगा, इधर बचा हमारा 1 से हमारा 5 नहीं घटेगा 11 से 5 घटाएंगे दोस्तों 6 बचेगा, यहाँ पे बचा हमारा 2 से 1 घटाएंगे 1, तो x का मान दोस्तों यहाँ पे कितना आ गया 165 मीटर। 165 हमारा क्या, हमने ट्रेन की लंबाई मान रखी थी तो ये भी हमारा क्या है मीटर में दी गई है। हमको निकालना है दोस्तों कुल मिलाकर के क्या निकालना है, उसकी क्या निकालना था, ट्रेन की औसत गति निकालनी है। तो औसत गति निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा 165 आया है दोस्तों तो ये 165 जो हमारा हो जाएगा क्या करेंगे, ये जो हमारे स्पीड हमको निकालने को बताना है कि ट्रेन की औसत गति कितनी होगी, तो किसी एक समीकरण में रख देते हैं, मान लीजिए हमने समीकरण एक में रख दिया तो ये हमारा दिया गया 16y हमने y रख दिया और यहाँ पे हमारा माइनस x है तो माइनस x की जगह हमने रख दिया 165 और बराबर हमारा दिया गया है 155 तो हमने 155 रख दिया। अब दोस्तों अगर निकालें y बराबर तो ये हो जाएगा 155 प्लस का हमारा 165 बटे हो जाएगा हमारा 16, तो 155 और 165 का जब जोड़ेंगे तो 65 मान 70 हो जाएगा, 70 और यहाँ पे 270 में दोस्तों हम 50 और जोड़ देंगे तो 320 बन जाएगा, तो 320 बटे 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 यानी कि कुल मिला के आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। अब ये 20 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, तो ये 20 मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 18/5, तो 5 × 4 = 20, 18 × 4 = 72 किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, कितना बन जाएगा दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 91 नंबर, और इसमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर घंटा की स्थिर गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है, रेलगाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको पता है फार्मूला, हम जानते हैं यहाँ पे होता है 2ab ब्रैकेट बटे a प्लस बी होता है, तो दोस्तों यहाँ पे हमको सबको पता था कि हमने 2 रख दिया और 1 दिया था, 1 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दिया है 240 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने वो रख दिया, बटे कर देंगे 80 प्लस का 240, तो ये हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 80 और यहाँ पे 240। अब इनको अगर ऐड करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 320 बन जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया और दोस्तों क्या करेंगे 8 × 4 = 32 4 से कट गया और यहाँ पे देखें तो 4 × 6 = 24 और यहाँ पे दोस्तों हमारा 10 बचा है, तो कुल मिला के आ गया 6 × 2 = 12, 12 × 2 = 120
हमारा आ गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा क्या आ गया उसकी एवरेज स्पीड आ गई दोस्तों, क्या आ गई एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा सी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 91 के बाद 92 नंबर जो हमारा दिया गया है, 92 नंबर में दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में कि दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से चलकर एक दूरी 40 मिनट में तय करती है, यदि इसे पूरी दूरी 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे बता दिया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि एक घंटा में 48 किलोमीटर की दूरी क्या करती है, ये तय करती है, ठीक है। तो हमको ये देखना है कि एक घंटे में 48 मिनट तय करती है, तो यानी कि 60 मिनट में कितना जाएगी, 48 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम एक मिनट में निकालें दोस्तों कितना हो जाएगा, 48 बटे यहाँ पे 60 हो जाएगा। हमको निकालना है दोस्तों यहाँ पे 40 मिनट का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 मीटर बराबर आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो हमने कैंसिल कर दिया, अच्छा है 8 × 48 यानी कि 8 × 4 = 32 किलोमीटर टोटल दूरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया 40 मिनट में 32 किलोमीटर की दूरी तय किया। अब हमको क्वेश्चन निकालना क्या है कि ये बताना है कि बाद में कह दिया गया कि 32 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होगी। अब दोस्तों 32 मिनट में तय करना, ये हमको डिस्टेंस पता चल गई, अब हम स्पीड बराबर फार्मूला, हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर फार्मूला जानते हैं कि टोटल दूरी, दूरी हमको निकल के आ गई है 32 किलोमीटर, तो हमने 32 रख दिया, और यहाँ पे टाइम कितना 32 मिनट में तय करना, इसलिए दोस्तों यहाँ पे रख देंगे 32। अब दोस्तों ये किलोमीटर में था, अब ये हमारा मिनट में है, इसलिए दोस्तों इसको हम घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग दे देंगे। अब जब इस प्रकार हो गया दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 32 बटे ये 32 हो जाएगा और ये 60 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये 32 से ये 32 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखें तो कुल मिला के ये आ जाएगा हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों, कुल मिला के हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 92 के बाद 93 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि एक रेलगाड़ी पहले 40 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर घंटा की चाल से और बाकी 30 किलोमीटर घंटा की दूरी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करती है, तो इसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों औसत चाल के लिए हम जानते हैं कुल दूरी बटे कुल समय फार्मूला होता है, तो यहाँ पे पहले बता दिया गया पहले जो 40 किलोमीटर की दूरी है वो कितने समय में दोस्तों, यानी कि बाकी 40 किलोमीटर दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, दोस्तों यहाँ पे हम रख देंगे 80, तो हम क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है दोस्तों, टी निकल के आ रहा है, तो ये 40 × 80 कुल मिला के ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, कुल मिला करके देखें दोस्तों तो ये 1/2 आ जाएगा, पहला जो टाइम हमारा आ गया 1/2 घंटे का। दूसरा अगर T2 निकालें, यहाँ पे T1 था मान लीजिए, T2 अब हम निकालें तो अगला हमारा दिया गया है यहाँ पे 30 किलोमीटर, तो हमने 30 किलोमीटर रख दिया, और यहाँ पे 60 किलोमीटर घंटा समय दिया गया, तो हमने 60 किलोमीटर रख दिया। अब दोस्तों ये जीरो से जीरो कट करेंगे तो यहाँ भी हमारा 1/2 ही आ जाएगा, तो यहाँ का भी हमारा टाइम कितना आ गया दोस्तों, 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हमको मालूम है, हमको एवरेज निकालना है दोस्तों, तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज स्पीड बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है, कुल दूरी, तो कुल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक था हमारा 40 किलोमीटर, दूसरा था हमारा यानी कि 80 किलोमीटर, हाँ एक 40 किलोमीटर था, दूसरा हमारा 30 किलोमीटर दोस्तों, तो हमने यहाँ पे 30 किलोमीटर रख दिया, और जो पहला एक टाइम लगा हमारा 1/2 लगा, दूसरा भी हमारा 1/2 टाइम लगा, तो दोस्तों 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, ये 40 × 30 = 70 हो जाएगा, 70/1 अर्थात 70/1, तो कुल मिला के हमारा यहाँ पे आ गया 70 किलोमीटर प्रति घंटे बन जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तनिक देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों 93 के बाद दोस्तों 94 कहा गया कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 3:4 है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए दो ट्रेनें दी गई हैं, दोनों ट्रेनों की स्पीड बताई गई है, एक की मान लीजिए 3x है और दूसरी की हमारी कितनी दी गई है, 4x दी गई है। तो यहाँ पे हमको दूसरी वाली ट्रेन की बात बताई गई है, तो दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड हमको पता है दोस्तों 4x है, डिस्टेंस यानी पता है दोस्तों 300 किलोमीटर, बटे ये हमारा हो जाएगा 3 घंटे का समय। अब दोस्तों अगर इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा x बराबर हमारा 100/ दोस्तों हो जाएगा 4 से इसको कट करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 25। तो ये जो 25 आया हमारा दोस्तों, अब इस 25 को अगर हम क्या करें दोस्तों, कुल मिलाकर के अब हमारा x की वैल्यू आ गई 25, तो हम यहाँ पे अगर रख दें दोस्तों, हमको कहना कह रहा तो पहली रेलगाड़ी की गति बताइए, पहली रेलगाड़ी की गति हमारी 3x थी, तो ये 3x में वैल्यू रख देंगे 25, x का मान 25 निकाल चुके, तो दोस्तों 25 × 3 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 94 बाद दोस्तों अगर हम 95 नंबर देखें तो 95 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस द्वारा दिल्ली जा रही है जो देर से 6 मिनट चल रही है, चालक ने अपनी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा दी है,
अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर दूर ट्रेन समय पर पहुंची, तो ट्रेन की मूल गति क्या है? हमको ट्रेन की मूल गति निकालनी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो माना ट्रेन की अगर हम मूल गति मान लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया, माना यहाँ पे ट्रेन की मूल गति, माना ट्रेन की मूल गति जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया ट्रेन की मूल गति मान लिया। अब यहाँ पे कहा गया है कि टोटल बताया गया अगले स्टेशन पर 36 किलोमीटर दूर ट्रेन समय पर पहुँचती है, तो दोस्तों यहाँ पे 36 ये डिस्टेंस बताया गया है, हमने इसकी मूल गति x मान लिया है तो x हो जाएगा। अब बाद में कहा गया है यहाँ पे जो देर से 6 मिनट तक चल रही है तो अपनी गति से 4 किलोमीटर घंटा बढ़ जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे देर से चल रही है इसलिए माइनस लगा देंगे, और फिर 36 हमारा टाइम दिया गया है, ये 36 हमारा डिस्टेंस दिया गया है, और स्पीड उसकी क्या हो, पहले की अपेक्षा मूल गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, तो एक्स प्लस ये 4 हो जाएगा, बराबर इधर हमारा 6 मिनट हो जाएगा। मिनट को अगर हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर लें, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 6/ हमारा 60 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें x और यहाँ पे कुल मिला के इसको सॉल्व कर लें तो 36/ हमारा x बन जाएगा, माइनस का यहाँ पे 36/x+4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो ये आ जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो जब ये 1/10 बन गया दोस्तों, अब हम अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हमको टाइम लगेगा, अगर विकल्प लेके कोई रख देते हैं यहाँ पे, हमको इसको हल करने पे 1/10 आना चाहिए, इधर 1/10 है तो इधर भी 1/10 आना चाहिए, तो अगर दोस्तों यहाँ पे 20 रख देते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू, तो 20 से जब इसको हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम 20 रखेंगे, 20 से ये 0, 20 से हमारा ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा, कितना आएगा दोस्तों हमारा, 2 से 36 को काटेंगे तो 18 आएगा, और एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 1.8 आ गया यहाँ पे, मान लीजिए 20 रखने पर 1.8 आ गया, माइनस करेंगे फिर यहाँ पे हो जाएगा 20 रखेंगे, अब प्लस यहां पे हम 4 24 हो जाएगा, 24 से 36 को कट करेंगे तो ये 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 नहीं 36 यानी कि 9/6, और भी कट कर देंगे 3 3 9, 3 2 6, यानी कि फाइनली जो ये आ जाएगा हमारा 1.8, और यहां माइनस का 2 1 9 2 और 2 5 10 1.5 आ जाएगा, तो यहां पे तो दोस्तों नहीं हो रहा, घटाने पे हमारा बचेगा 0.3 बचेगा, तो कुल मिलाकर के ये भी 1/10 यहाँ से नहीं आ रहा, तो इसका मतलब देखें तो विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम दोस्तों अब यहाँ पे 36 ले लेते हैं तो 36 से 36 को कट करेंगे दोस्तों यहाँ पे रख के, या एक्स का मान 36 रख देंगे तो 36 से 36 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 36 4 40 हो जाएगा, और 40 में दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 9 पॉइंट, अभी दोस्तों 36 4 40 हो जाएगा, 40 में हम 36 को काटेंगे 4 9 36 9 आ जाएगा, और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये इतना बन जाएगा हमारा कुल मिला के, तो 1 बचेगा दोस्तों, हाँ इससे बिल्कुल हमारा आ जाएगा दोस्तों। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा 0.1 बचा, बराबर हमारा 1/10 तो था ही, अब घटाएंगे दोस्तों 1 से ये, तो हमारा 0.1 बचेगा। अब 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 0.1/1/10 लिख सकते हैं, 0.1 जो हमने पॉइंट हटाया, नीचे 1/10 हो गया, इधर भी हमारा 1/10 है, तो कुल मिला के हमको ये बात पता चली कि अगर हम x की मान 36 वैल्यू मान लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल फॉलो होने लगेगा। मैं करके फिर से यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों, मान लीजिए 36 है, ये 36 रख दिया, और एक्स का मान भी हमने दोस्तों यहाँ पे हमने 36 अगले स्टेप ले लिया, और फिर माइनस का यहाँ पे 36/40 बन जाएगा, बराबर हमारा 1/10। अब दोस्तों 36 से 36 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36 0.9 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0.9, बराबर यहाँ पे 1/10 हो जाएगा। अब 1 से 0.9 जब 9 घटाएंगे दोस्तों, पॉइंट हमारा 1 बचेगा, बराबर ये 1/10। पॉइंट 1 को हम भी लिख सकते हैं दोस्तों 1/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट यहाँ था, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बना दिया एक अंक बनाने के बाद, तो 1/10 और 1/10 आने लगा, तो यानी कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 95 का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और अगला देखते हैं दोस्तों 95 के बाद 96 नंबर, और 96 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि दुर्घटना के बाद एक रेलगाड़ी अपनी गति की 4/5 गति से चलती है, जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया कि 4/5, यानी कि जब दुर्घटना, पहले उसकी स्पीड थी 5 थी, और जब दुर्घटना हो जाती है तो उसकी स्पीड 4 हो जाती है, तो कह रहा है गति से चलते जिसके कारण वह 30 मिनट देरी से पहुंचती है। दोस्तों यहाँ पे देखें तो पहले 5 की स्पीड चल रही थी, बाद में 4 की स्पीड चलने लगी, तो यहाँ पे देरी कितनी हो रही है दोस्तों, 1, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 मिनट हो जाएगा। तो कह रहा दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा का मूल समय ज्ञात कीजिए, हमको दुर्घटना क्षेत्र के आगे का मूल समय बताना है दोस्तों, तो यहाँ पे कुल मिला के बन जाएगा, तो दुर्घटना के बाद का हमको बताना, दुर्घटना क्षेत्र के आगे यात्रा मूल, यानी दुर्घटना के बाद जब हम चलते हैं, यानी 4 की स्पीड से चलते हैं, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, 4 का दोनों पक्ष
6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 बराबर आ जाएगा दोस्तों, 4 तीन 12 यानी कि 120 मिनट हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि देखें तो 96 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा दोस्तों, 97 नंबर में जो दिया गया है। यहाँ पे कहा गया कि दो ट्रेनों की गतियों का अनुपात 4:5 है। मान लीजिए पहली ट्रेन की स्पीड जो 4 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 5 है। यदि दूसरी ट्रेन 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों पहली जो ट्रेन थी 4x की स्पीड है और दूसरी की स्पीड हमारा 5x की स्पीड है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4x और 5x दोनों की स्पीड दी गई हमने वो कर दिया, और 8 घंटे में 800 किलोमीटर की दूरी तय करें तो पहली ट्रेन की गति क्या होगी। हमको पहली ट्रेन की क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे स्पीड निकालनी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो पहली ट्रेन का तो 8 घंटे में कितना जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कहा गया यदि दूसरी ट्रेन की स्पीड ये है, तो इसलिए दोस्तों स्पीड बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 800 किलोमीटर की डिस्टेंस बताई गई है और 8 घंटे का समय बताया गया दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। अब 5 से अगर इसको हम कट करेंगे तो दोस्तों तो x बराबर आ जाएगा हमारा 20 आ गया। तो ये जो x बराबर 20 आया है, तो ये 20 हमारा जो आया है दोस्तों कुल मिलाकर के कितना आया है, हमको ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा ये आ गया, इसकी स्पीड आ गई, यानी कि पहले ये आ गई x की वैल्यू आ गई। हमको निकालना है कहा गया क्वेश्चन में कि यहाँ पे पहली ट्रेन की गति बताइए, पहली ट्रेन की गति निकालनी है, तो पहली ट्रेन हमारे दोस्तों यहाँ पे कितनी है, 4x है, तो 4x का मान रख देंगे दोस्तों 20 निकाल चुके हैं, तो बीच चौक 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत समझ में आ रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी आप अपने किसी भी प्रकार के डाउट को, मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड डाउट को वहाँ पर भेज करके उसका सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूँ कि हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ करके अपने किसी प्रकार के मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड डाउट को दूर करवा सकते हैं। और दोस्तों यदि आप रेलवे NTPC या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों यदि आपको हमारे इस वीडियो को कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।